माइक जो है वो ऑन करें वरना अभी म्यूट कर दें प्लीज। जी मुर्शिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर इजाजत सदर जनाब डॉक्टर अजीज साहब के आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। हमारे दरमियान हमारे साथी शमीम अंसारी साहब और अशफाक उमर साहब, साथ ही सरफराज दारू साहब मौजूद हैं। दूसरे साथी ज्वाइन करने वाले हैं। चूंकि प्रोग्राम में ताखिर ना हो, हमने 5 बजे का वादा किया था, इसलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। सामीन निकराम, नाजरीन निकराम, मरहूम मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार की इस जहां पानी से रहलत के बाद रोजाना इनकलाब ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सच पूछिए तो कलेजा मुंह को आता है ये ख्याल करते हुए यूसुफ खान और दिलीप कुमार नहीं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल का मशहूर जमाना शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, अपनी मानवियत के एतबार से मुस्तहकम होता हो जाता है जब अजीम शख्सतें इस दुनिया से रुखसत होती है। मोहतरम हसन कमाल के अदालती सतह पर शाये मजबूत की शह सुखी एक धूप थी जो साथ गई आफ्ताब के, या मोहतरमी शाहिद लतीफ के अदारिये का उनवान साहब आलम, या फिर उन्हीं के मजमून का उनवान वही चराग बुझा जिसकी लौ कयामत दिलीप साहब की अजमत की गवाही दे रहे हैं। जितने अजीम फनकार थे उतने ही अजीम इंसान थे। हमारे साथ मुस्लिम ओबीसी मूवमेंट में के रिजर्वेशन में उनका साथ हमारे लिए कदरे गनीमत रहा, और उन्हीं की कोशिशों से और हम सब की कोशिशों से अल्लाह ने इस तहरीक को कामयाब किया और आज पसमानदा तबकात मुस्लिम ओबीसी के फायदे हासिल कर। आइए हम और आप मिलकर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें परवर करोड़ जन्नत नसीब करेगा। आमीन। मैं शमीम अंसारी से दरख्वास्त गुजार हूँ वो इस्तकबालिया कलमात अदा करें। शमीम अंसारी मेरे दहरीना साथी हैं, भिंडी में समदिया हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में मुअल्लिम रहे। हमारे इलाके मदनपुरा से लेकर भिंडी तक शमीम अंसारी की समाजी जिंदगी अपनी मिसाल आप है। मैं उनसे बड़े ही अदब से दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम के गर्ज़ो गायत के साथ ही हमारे मेहमानों का तारुफ और दीगर बातें पेश करें। मोहतरम शमीम अंसारी से आई आवाज आ रही है। जी जी डॉक्टर साहब, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह से दिलीप साहब यानी मोहम्मद यूसुफ खान अपने दरमियान से गुजर गए, चूंकि मेरा आवाज लाउड कर, हेलो हेलो आवाज तेज कर बोलने में, मैं भी आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही ना, हेलो आ रही है भाई, मुंबई और समर एकेडमी मालेगांव की जानिब से तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मैं, और खासतौर से मुख्तसर से इस्तकबालिया और मकसद बता दें कि मोहम्मद यूसुफ खान साहब मरहूम की शख्सियत के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, चूँकि मेरा भी मैं भी अंजुमन इस्लाम स्कूल बीटी का साबिक तालिब इल्म हूँ, और मुझको इस बात का फख्र है कि मैं भी मोहम्मद यूसुफ खान साहब के बात का बहुत स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं, और मुझको इस बात का भी कुछ रिमा है कि मेरे साथ इस ताज़ेती मजलिस के सदर डॉक्टर जहीर काजी साहब इस मजलिस की सदारत कर रहे हैं। और यही इतना कहूँगा कि जनाब हसन कमाल साहब ने जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों रोज़नामा इंकिलाब में लिखा था एक धूप थी साथ गई आफ्ताब के, उन्होंने तमाम बातों का जिक्र इहाता कर दिया है, और मुस्लिम ओबीसी तहरीक रिजोल्यूशन में मोहम्मद यूसुफ खान मरहूम साहब का हम एहसान मंद है कि अल्लाह ताला ने हमको एक बहुत बड़ी मदद एक सहारा कर दिया था,
कि जब शब्बीर अंसारी ऑल इंडिया सदर मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की तहरीक लेकर चले और उनके साथ कपिल पाटिल और सोनौने जीते और उस वक्त शरद पवार साहब महाराष्ट्र के वजीर आला थे, लेकिन एक ही नशिस्त के अंदर जब दिलीप साहब को उन्होंने हमवार किया, तैयार किया और बाद में एहसास हुआ कि वो बागबान समाज से वो भी ताल्लुक रखते हैं और फिर मुशीर भाई इस तहरीक के पेश थे, वो भी मैं उनके साथ भिवंडी से बराबर शरीक होने जाता था। मदनपुरा के मदरसे से हम लोग चलते थे और फतेह मोहन अंसारी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये इतना ही कहूँगा कि ओढ़ के मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम भी बेनिशा हो जाएंगे। मैं आए हुए तमाम लोगों का मैं एक बार फिर मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं जनाब सरफराज आरजू साहब मेरे देरीना साथी, बचपन के साथी हैं, वो बम्बई की हर तहरीक में पेश रहते हैं और इसी तरह से इकबाल अंसारी साहब जो बैकवर्ड कमीशन के साबिक मेंबर है, पूना में भी अक्सर और बिस्तर उनके साथ ओबीसी के ताल्लुक से मुलाकात होते रहती है। बहरहाल इस मजलिस में आए तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ मैं, और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के साथ मरहूम मोहम्मद यूसुफ खान की मगफरत फरमाए और इससे बेहतर नेमुल बदर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। ये थे मोहतरम शमीम अंसारी साहब जिन्होंने इस्तकबालिया तकरीर फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अंसारी साहब। हमारे एक साथी सरफराज आरजू मुंबई शहर हो, भिंडी, मालेगांव, औरंगाबाद या महाराष्ट्र के दीगर अजला, आप से कौन वाकिफ है? रोजनामा हिंदुस्तान के मालिक व मुदीर, सहाफत के मैदान के मार्गदर्शक, समाजी मैदान के बाबा और अदबी मैदान में अपनी कौलम कलम का जौहर दिखाने वाले सिपाही का किरदार अदा करते हुए आप आए दिन दिखाई देते हैं। सरफराज आरजू मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन तहरीक में पेश रहे हैं और अब भी हर मैदान में वो फाल शख्सियत के तौर पर मौजूद नजर आते हैं। मैं गुजार हूँ कि आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और मुस्लिम ओबीसी मुंबई और दिलीप कुमार के ताल्लुक से अपनी बातें पेश करें। जनाब सरफराज आरजू मालिक व मुदीर रोजनामा हिंदुस्तान मुंबई शहर। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों। वालेकुम सलाम। दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक से ये नशिस्त मुनक्किद की जा रही है। वैसे तो काबियती नशिस्तें बहुत होती हैं। मुशीर भाई ने जो इस नशिस्त को महसूस किया है वो दिलीप कुमार साहब के लिए जो उनकी खिदमात हैं और ओबीसी तहरीक के लिए जो खिदमात हैं उससे जो है इस मीटिंग को जोड़ा है। तो हम तो यही कहेंगे कि दिलीप कुमार साहब एक ऐसी हस्ती थे जिनके बारे में जो है सिर्फ सुपरलेटिव्स में ही बात की जा सकती है। उनकी अदाकारी हो, उनकी जबान हो, उनकी तहरीर हो, उनकी तकरीर हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सरफराज भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आवाज का प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही, शायद उनको आवाज की आवाज नहीं आ। आप जो माइक है नजदीक कीजिए। हाँ हाँ इतने में तो आवाज आना चाहिए, आती है आमतौर पे। हाँ अब आ रही है। हाँ तो दिलीप कुमार साहब के बारे में तो जानते होंगे सभी लोग,
क्योंकि इस आदमी ने जो है वो अपने आप को शब्बीर साहब के हवाले कर दिया था कि तुम जिस तरह चाहो उसको इस्तेमाल करो, जहां को लेके कंट्रीब्यूशन जो है ये ऐसी दुनिया तक याद रहेगा और पसमानदा मुस्लिम तबकात जो है वो उनके इस कंट्रीब्यूशन को फरामोश नहीं कर सकेंगे। हमारा उनके लिए बेहतरीन खराज अकीदत यही होगा कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था और मुस्लिम ओबीसीज को जो है ऊपर लाने की जो उन्होंने कोशिशें की अपने तय जितनी अपने इंप्रूव हो सकता था, तो उन कोशिशों को जो है और तकबीयत दी जाए, उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए और पसमानदगी को मुसलमानों में से जो दूर करने के जितने भी इकदाम हो सकते हैं, जितने भी प्रोएक्टिव काम हो सकते हैं, उन तमाम कामों को जो है हमें सपोर्ट करकर दिलीप साहब के इस ख्वाब को जो है शर्मिंदे ताबीर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब के बारे में जितना कहा जाए और जितनी बातें की जा सकती हैं उनकी शख्सियत के तो सैकड़ों ऐसे पहलू हैं, लेकिन इस पहलू को जो है मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो पसमानदगी दूर करने के साथ में थी, ये एक सिर्फ अदाकारी नहीं मैं मुशीर भाई से गुजारिश करूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। और मैं कादिर साहब से एक चीज और पूछना चाहता था, वो ये कि आपने जब क्या कहते हैं शानमुखनर हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था अंजुमन का किसी इवेंट से उसका ताल्लुक था, उसमें आपने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी दिलीप साहब पर, एक फिल्म थी छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी वो, उस वक्त भी उस फिल्म ने मुझे बहुत मुतासर किया था और मैं सोच रहा था कि अगर वो आपके पास हो उसकी कोई कॉपी या इस तरह की कोई चीज तो वो आप तमाम लोगों के साथ शेयर करें ताकि दिलीप कुमार साहब को जो दिल से चाहते हैं और जो उनके हकीकतमंद हैं, ये लोग हम तो उनके हकीकतमंद हैं, हमारी अकीदत में और इजाफा हो। थैंक यू। हाँ मुशीर साहब, मुशीर साहब जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है मुशीर भाई आपकी जी। मेरे पास है, मैं भेजता हूँ जी। मुशीर साहब हसन कमाल साहब को लिंक नहीं भेजा है आपने, पासवर्ड नहीं भेजा है? नहीं, मैंने पासवर्ड मैसेज में भी भेजा है और उसमें व्हाट्सएप पे भेजा है, व्हाट्सएप उन्होंने नहीं देखा तो मैंने मैसेज पास मैसेज में भेज दिया ताकि उनको पता चल जाए। वैसे हमारा पासपोर्ट एकदम आसान होता है, समर परमानेंट, हाँ समर एकेडमी के नाम पर हमने तो परमानेंट ही कर दिया है, ऐसे में आ रहा है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ 2197559899 समर, उनको कहिए मैसेज में मैंने दिया है, व्हाट्सएप देखते नहीं कुछ है। जी अशफाक साहब, हाँ तो आगे, आगे बढ़ते हैं सर। हमारा पासवर्ड समर है ना, ऐसे एम ए आर, हाँ जी जी। शुरू करें? हाँ जी, फाजिल अंसारी साहब को बुलाइए। फाजिल अंसारी साहब, पासवर्ड इज समर, S A M A R समर, फाजिल अंसारी साहब हैं।
के नाम से है सर जी। फाजिल अंसारी साहब मौजूद है? फाजिल अंसारी साहब का एक मोबाइल नंबर फाजिल आईफोन बता रहा है, मगर उनका ऑडियो और वीडियो दोनों बंद बता रहे हैं, मतलब मोबाइल प्रेजेंट है। अच्छा, है 9820293687। ठीक है, जब तक हम लोग इकबाल अंसारी साहब मौजूद है मेरा। जी जी, इकबाल इकबाल अंसारी साहब जी हैं, मैंने देखा उनको। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते। ये थे मोहतरम सरफराज आबरू साहब, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक से मोहब्बत पेश की। अब मैं हमारे दरमियान इकबाल अंसारी साहब मौजूद। मोहतरम इकबाल अंसारी साहब का ताल्लुक से है, लेकिन महाराष्ट्र के दीगर अजला की ओबीसी सर्टिफिकेट की मुश्किल हो या वैलिडिटी सर्टिफिकेट को फुल का मामला मुतल्लिका महकमे में बजात खुद पहुंचकर ओबीसी रिजर्वेशन की तहरीक के आप एक मजबूत सुकून है। नेशनल बैकवर्ड सर्विसेज कमीशन के आप कर रहे हैं और ओबीसी के मसाइल पर मैं आपसे गुजारिश गुजार हूँ कि आप अपने अजीम रहनुमा साथी अरुण यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार को अपने कलमा से खराज पेश करें, आप उनके शान बशाना काम। मोहतरम इकबाल अंसारी जी, शुक्रिया। मैं इकबाल साहब, आपके बैकग्राउंड में शायद आवाज ज्यादा है जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आप। हाँ, तो मैं जनाब जहीर काजी साहब की इजाजत से कुछ कहना चाहूंगा। मुशीर साहब ने आज बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बर वक्त उन्होंने, जो किसी के जहन में नहीं आया, आपने बड़ा अच्छा ये जूम पे का प्रोग्राम रखा है। अक्सर दिलीप कुमार साहब किसी मुशायरे में एक शेर से या किसी प्रोग्राम में एक शेर से अपनी बात को शुरू करते थे। वो शेर मुझे याद आ रहा है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो अहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो अहतमाम करूं, नजर मिले तो पहले उन्हें सलाम करूं, कहां से छेड़ू फसाना, ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक भूल गया, कहां तमाम करूं। तो दिलीप साहब, मैं पूना से ताल्लुक रखता हूं और दिलीप साहब का पूना से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। उन्होंने अपने जिंदगी के कमर्शियल जिंदगी की शुरुआत पूना से की थी। सभी जानते हैं कि पूना में वो एक मिलिट्री कैंटीन में काम करते थे, वहीं पर उन्होंने एक फ्रूट स्टॉल भी लगाया था। इस तरह पूना शहर से उनका बड़ा लगाव रहा है और पूना ही में पहली मरतबा वो जेल भी गए थे। उन्होंने ब्रिटिश के जमाने में एक तहरीक पर एक स्पीच की थी जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया था, और उस जमाने में मौलाना आजाद भी पूना यरोड़ा जेल में कैद थे, उन्हीं के साथ उनको रखा गया था। और लेकिन क्योंकि वो मिलिट्री कैंटीन में ये थे, काम करते थे, इसलिए मिलिट्री ऑफिसरों से उनकी पहचान थी, तो उन्हें कुछ ही फौरी तौर पर शायद एक दो दिन में रिहा भी कर दिया गया। इस तरह उन्होंने मुल्क की इस आजादी ने जेल जाने वालों में भी अपना नाम लिखा दिया है। उसके अलावा पूना से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक इस तरह भी रहा कि मुगले आजम के जो प्रोड्यूसर थे शाहपुर जी पालन जी, उनका बहुत बड़ा बंगला पूना में था। वो अपने छुट्टी के दिन जब वो आराम करना चाहते थे, कुछ दिन अपना वक्त गुजार फिल्मी दुनिया से हटकर गुजारना चाहते थे, तो पूना में शाहपुर जी पालन जी के बंगले पर आकर वो रुकते थे और वहां पर वो कई कई महीने रहते थे। खासकर उनके साथ उनके छोटे भाई अहसन रहते थे वहां पर, और कभी कभी उनकी बहनें भी आया करती थी। बहुत बड़ा बंगला था, तो जब तक वो बंगला शाहपुर जी पालन जी के पास था, वो पुनः जब भी आते थे उस बंगले पर रुकते थे। लेकिन रजनीश ने जब उसे लिया, जी जहाँ रजनीश आश्रम खुला है वो वही बंगला है, और रजनीश आश्रम खुल जाने के बाद से
दिलीप साहब पुणे में जब आए तो ट्रस्ट क्लब में रुका करते थे। उनकी मेरी पहली मुलाकात पुणे में यूनानी मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह के लिए वो आए थे, जो आजम कैंपस में यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला गया था, उसकी इफ्तिताह दिलीप साहब के हाथों हुई थी। वहाँ उनसे पहली मुलाकात हुई और उसके बाद कई मरतबा उनकी मुलाकातें होती रही, कई मुशायरों में हमारे आए, कई प्रोग्राम्स में वो आते थे। और एक मरतबा जब वो बीजे मेडिकल कॉलेज है पुणे का, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए थे और ट्रस्ट क्लब में रुके थे, उस वक्त जब भी वो पुणे आते थे मैं जाकर उनसे मिलता था, मुलाकात करता था। उनका जो पीए था उस जमाने में जॉन उसका नाम था, जहीद आई साहब उसको जानते हैं कि वो जॉन जो है अक्सर मुझे फ़ोन कर दिया करता था कि हम पुणे आ रहे हैं, तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाया करता था। लिहाजा जब वो ट्रफ क्लब में रुके थे उस बीजी मेडिकल कॉलेज के मामले में, उससे पहले एक वाक्य आपको सुनाऊं कि उससे पहले 1987 में पुणे में फसादात हो गए थे। एक पहलू जो मुझे याद आ रहा है दिलीप कुमार साहब का, जो किस तरह वो काम करते थे, सामाजिक खिदमत किस तरह करते थे, 87 में पुणे में फसादात हो गए थे। उन फसादात में मुसलमान के जो खासकर जो ऐसे एरिया में रहते थे, मुसलमानों के कारोबार थे जहां पर उनकी आबादी कम थी, वहां पर उनके नुकसान बहुत हुआ, उनकी दुकानों का, स्टॉल्स का, ऐसे कई दुकानें जलाई गई, तोड़ दी गई। उन हालात में मैं उस वक्त रिलीफ कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था पुणे रिलीफ, तो मैंने तमाम पुणे घूमकर जितने नुकसान हुए थे उसका डाटा जमा किया था, उनके पते, उनके फोन नंबर वगैरह सब। इसलिए जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि जहां भी फसादात जब होते हैं तो दिलीप कुमार साहब कुछ दिनों बाद वहां पहुंच जाते हैं वहां के हालात जानने के लिए, उसी तरह वो पुणे पहुंचे और ये पूछा कि ये डाटा किसके पास है, कितना नुकसान हुआ है। तो मेरा नाम जब पेश किया गया तो मुझे उन्होंने फौरन बुला लिया नूर बस्सामा हॉल में। उस वक्त मैं, पीए इनामदार साहब, डॉक्टर शेख साहब, 5-7 लोग मिलकर गए उनके पास और पूरा डाटा उनके सामने रखा मैंने कि इतने इतने लाख का नुकसान हुआ है, इतने स्टॉल जलाए गए, इतनी दुकानें जलाई गई है। तो उन्होंने कहा टोटल नुकसान कितना है, तो उसके एक फिगर मैंने दिया जो कई लाख में था। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फौरन इसाक जिमखाना वाला को फोन लगाया और बुखारी साहब, उस वक्त जो रिलीफ कमेटी बंबई के प्रेसिडेंट थे, उनको फोन लगाया और कहा कि इतनी इतनी रकम जो है इनको दी जाए। लिहाजा मैं बंबई जाकर वो चेक उनके घर पर बुलाकर उन्होंने दिया मेरे हाथ में, और वो चेक मैं पुणे लाकर रिलीफ कमेटी के नाम पर दिया गया था, रिलीफ कमेटी में जमा किया। और तकरीबन पुणे में जितनी दुकानों के नुकसान हुए थे उन तमाम दुकानों को इनिशियली इतनी अमाउंट दे दी गई कि वो फिर से अपनी दुकानें खड़ी कर सके। तो दिलीप साहब का ये भी एक काम था कि वो बजाते खुद पहुंचकर वहां का नुकसान जानकर उन तक मदद पहुंचाना, ये भी एक अजीब काम था। इस तरह मैं उनके बहुत करीब आ गया था। फिर जब बीजे मेडिकल कॉलेज के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब वो पुणे आए तो उस वक्त मैं और इनामदार साहब उनसे जाकर मिले, क्योंकि आधा दिन उनके पास खाली था, वो प्रोग्राम शाम में था और वो दोपहर में ही आ गए थे 11-12 बजे के करीब। तो हम लोग उनसे जाकर मिले और घंटा दो घंटे तक सिर्फ मुस्लिम ओबीसी के ऊपर चर्चा हुई। उनको मुस्लिम ओबीसी में ज्वाइंट होने के लिए मैंने और पीए इनामदार साहब ने कन्विंस किया कि आप इस तहरीक से अगर जुड़ेंगे तो इसको ताकत मिलेगी। इस तरह घंटा डेढ़ घंटा उसमें मुख्तलिफ सवाल करके उन्होंने पूछा और वो कन्विंस हुए। कन्विंस होने के बाद जब बंबई गए तो शब्बीर साहब ने, उसके बाद हसन कमाल साहब को भी मैंने पुणे बुलाया था एक प्रोग्राम में, और शब्बीर अंसारी साहब को, वो एक प्रोग्राम में हसन कमाल साहब से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो हसन कमाल साहब के पास पहुंच कर सीधा दिलीप साहब के पास पहुंच गए, जबकि उनको जिक्र हुआ कि दिलीप साहब इसमें इंटरेस्टेड है। इस तरह उसमें वो जुड़ गए और जुड़ने के बाद यकीनी तौर पर मुस्लिम ओबीसी तहरीक जानी जाने लगी, पहचानी जाने लगी, उसको तकवीयत मिली उनके प्रोग्राम लेने की वजह से, दिलीप साहब के जुड़ने की वजह से। इस संगठन को जो बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी, इसको ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसके सामने बहुत से प्रॉब्लम खड़े हुए थे, लेकिन दिलीप साहब के आते ही इसको एक जिंदगी मिली, एक जान मिल गई और फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम में वो आते रहे और इस तरह मुस्लिम ओबीसी संगठन को एक ताकत मिली। उसी वक्त, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो है लातूर के, जो हमारे विलासराव देशमुख ने एक मीटिंग ओबीसी के सिलसिले में मंत्रालय में बुलाई थी, वहां पर दिलीप साहब भी मौजूद थे, हम सब ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। ये बंबई में जो मीटिंग हुई थी वहीं पर जो
बैकवर्ड क्लास कमीशन में एक मुसलमान को, एक मुस्लिम शख्सियत को लेने का बात जब चली तो किसको लिया जाए, ऐसा विलासराव देशमुख ने कहा कि आप अभी अभी नाम पेश कीजिए, मैं उसको नाम को लेने के लिए ऑर्डर करता हूँ। तो दिलीप साहब ने मेरा नाम वहां पर पेश किया कि इकबाल अंसारी को वो दिया जाए, वो मौका दिया जाए उसके काम करने का। और क्योंकि दिलीप साहब ने यह नाम पेश किया इसलिए किसी को काटने नहीं आया उसको, बहुत सारे लोगों के खिलाफ नहीं, नहीं हम बाद में नाम देते हैं, सोच के देते हैं। तो विलासराव देशमुख ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, खान साहब ने कह दिया खत्म हो गई बात। और फौरी तौर पर उसने ऑर्डर किया, इस तरह मैं बैकवर्ड क्लास कमीशन पर काम कर सका जिसके चेयरमैन जस्टिस श्री कृष्ण खत्री थे। श्री कृष्ण खत्री वही मशहूर चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अंतुल्य साहब को रिहा किया था, बेगुनाह होने का एक जजमेंट दिया था, जो सीमेंट घोटाले में उन पर एक बहुत बड़ा केस चला था एआर अंतुल्य साहब को, उन्हीं के चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी थी बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसी का मैं एक मेंबर रहा। और दिलीप साहब की वजह से ही मुझे कौम की खिदमत करने का मौका मिला, उसमें बहुत सारी मुस्लिम जमातों को शामिल करने का मौका मिला जिसमें मूलानी, मुजावर, मुस्लिम काकर, मुस्लिम बौली, ऐसी तकरीबन 21-22 जमातें और ज्यादा शामिल करने का उसमें मौका मिला। और इसके लिए मैं हमेशा दिलीप साहब को अपना एक गॉडफादर समझता था, और हमेशा वो मेरे सर पर उनके हाथ रहने की वजह से मेरी शख्सियत पहचानी जाती थी कि मुझे लोग जो है अपने हल्के में, सियासी हल्के में, समाजी हल्के में दिलीप साहब के दोस्त की हैसियत से पहचानते थे। और इसीलिए मेरा कद बड़ा था कि जहाँ भी जाता था कि तो लोगों में इसलिए मुझे ज्यादा अहमियत दी जाती थी कि ये दिलीप कुमार साहब के करीबी लोगों में से एक है, लिहाजा मैं उनका हमेशा एहसान मंद रहूंगा। जब सुबह में पहली मरतबा 7:30 बजे ठीक मालूम पड़ा, जावेद मौला जो मौला इनकलाब के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने जब एक पोस्ट फेसबुक पर डाली और सुबह मैंने देखी वो 7:30-8 के करीब, और फौरन उनको फोन लगा के कंफर्म किया, और फौरी तौर पर मैंने गाड़ी लेकर अपने एक दोस्त को लेकर बंबई के लिए निकल गया। मुझे बड़ा शौक लगा ये सुनकर, और मैं वहां पर पहुंचा और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं उनके आखिरी रसूमात में शामिल रहा, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने का मुझे मौका मिला। मैं उस वक्त बहुत भावुक हो गया था, घंटों तक मैं उनकी कब्र के पास खड़ा रहा, शायद उस दिन कब्रिस्तान में से निकलने वाला आखिरी शख्स मैं ही था। बहुत देर तक मैं 7 बजे तक वहां पर रुका रहा, मेरा वहां से जाने को दिल ही नहीं हो रहा था। इस शख्सियत को कभी भुलाया नहीं जाएगा, जो एहसानात उसके मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो एहसानात है, जो तकवियत उन्होंने दी है, इस कौम को जो तकवियत दी है, उसके लिए मैं उनका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। और जिंदगी भर में जहां भी मौका मिलेगा इस जिक्र को जरूर करूंगा कि अगर वो नहीं आते तो आज तक मुस्लिम ओबीसी तहरीक बहुत रेंगती रहती, कछुए की चाल से चलती रहती, उसे जो कामयाबी आज मिल रही है वो कामयाबी नहीं मिल पाती। इसका सारा श्रेय, इसका सारा मामला जो है, सारी तारीफ वो दिलीप साहब के लिए जाती है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि उनकी ताकत, उनकी शख्सियत इतनी जबरदस्त थी कि वो जब बोलते थे तो बस बोलते ही रहते थे, और उनकी हर बात से जो माने निकलते थे वो हमेशा तकवियत पहुंचाते रहते थे। लिहाजा आज मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, आपने बड़े सुकून से सुना, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का मशकूर ममनून हूँ। और इसके बाद जब वो बीमार थे, आखिरी बार यहाँ पर खत्म करते हुए, कंक्लूड करते हुए, ये बहुत सारे किस्से सुनाने जैसे, लेकिन फिर कभी मौका आया तो सुनाऊंगा कि जब वो बीमार थे, मैं उनके अस्पताल में मिलने 1-2 मरतबा गया और घर पर भी गया, तो वो मुझसे पूछते थे कि आप तहरीक कैसे चल रही है, तो मैं कहता था कि आपके मौजूद रहने से जो ताकत मिलती थी वो अब नहीं रही। तो उन्होंने कहा तो कोई क्या मेरे ऐसा कोई और शख्सियत नहीं है, मैंने कहा नहीं है, लेकिन अगर आप कादर खान साहब को फोन करके बोले तो वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका फोन नंबर है तो मिलाओ। मैंने फोन नंबर मिलाकर उनको दिया, और कादर खान साहब को उन्होंने कहा कि इस तहरीक से जुड़ो, उसकी उन्होंने कड़ी तफसील में बात की दोनों ने, और उसके बाद कादर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए थे, और कई प्रोग्राम में कादर खान साहब हमारे साथ रहे, इससे और तकवियत मिली। लिहाजा मैं इन दोनों शख्सियात को खराज अकीदत पेश करते हुए आपसे इजाजत दूंगा। खुदा हाफिज। नाज़रीन और सामीन, ये थे जनाब इकबाल अंसारी साहब, जो दिलीप कुमार साहब की शख्सियत के बाबत से हासिल गुफ्तगू फरमा रहे।
इकबाल भाई ने मुझे दो बातें याद दिला दी, एक तो फसाद का जिक्र उन्होंने किया पुनाते। तो इस तरह से 1992-93 के फसादात मुंबई कभी नहीं भूल सकेगा। उसमें दिलीप कुमार साहब की जो नुमाया खिदमत रही उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। हम आगरीपाड़ा रिलीफ कमेटी की जानिब से काम कर रहे थे, तो जितनी माशी इमदाद उन्होंने की वो अल्लाह गवाह है कि लोगों को फैज पहुंचा उससे। साथ ही उन्होंने वो नुकसानात जो जानी हो सकते थे उसको टालने में भी आपने बड़ा अहम रोल अदा किया अपने फोन के जरिए, क्योंकि फसाद में लोग घेर लेते थे और मुसलमानों को मार डालते थे, लेकिन दिलीप साहब को जब पता चला, जब बातें तक पहुंचती तो फोन करते आला हुकूमत के तारीफ दो से और बात करते और उन लोगों को जो है बचाने के लिए आगे आते थे। तो ये दिलीप साहब का एक किरदार ये भी था समाजी। दूसरे अभी उन्होंने इकबाल अंसारी साहब ने एक जिक्र किया मंत्रालय के एक मीटिंग का, मेरा ख्याल है डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब भी मौजूद थे, हसन कमाल साहब थे, इकबाल अंसारी, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जो वज़ीर आला गुलासो देशमुख के साथ हुई थी। तो दिलीप साहब उसमें थे और दिलीप साहब का इत्तेफाक था कि मैं थोड़ी दूर पर ही था तो इसलिए उनकी बातें मुझे सुनने में आ रही थी। तो उसमें वजीर उस वक्त के वजीर छगन भुजबल साहब भी उनके बाजू में विराजमान थे। तो उन्होंने छगन भुजबल साहब से जब ये बातें गुफ्तगू चली तो छगन भुजबल साहब से कहा कि छगन भुजबल साहब आप माली बिरादरी से हो और आप ओबीसी में हो, आप अपनी तमाम मराथ हासिल कर रहे हो, यार मैं तो बागबान हूँ, मैं भी माँ आपके बराबर हूँ, इसलिए ये मराथ मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी ओबीसी मिलना चाहिए। तो इस तरह जितनी भी नॉन मुस्लिम बिरादरियाँ हैं जो ओबीसी में हैं वो पेशे से मंडल कमीशन ने दिए हैं, तो इसलिए आप जो है इनको भी शामिल करो। तो छगन भुजबल साहब ने कहा कि देखिए आप तो वजीर आला तो बहुत अच्छा है, और जैसा कि अभी आपने इकबाल अंसारी साहब से सुना कि जैसे दिलीप साहब ने कहा तो इकबाल अंसारी साहब को नेशनल एयरपोर्ट कमीशन में ले जाएंगे, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि आपका वजीर आला तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह जल्दी ही ये जो है वो आपकी बिरादरियों को शामिल कर दिया जाएगा। अब बाद में ये बातें सच साबित हुई और एक कोशिश से जो है सबकी कोशिशों से मुस्लिम ओबीसी बिरादरी में को शामिल किया गया और 9 अगस्त 1995 को एक GR निकला। मैं बातें तो और कुछ करना चाहता था लेकिन चूंकि निजामत है मेरी इसलिए उस ताल्लुक से और अगर हसन कमाल साहब जुड़े हुए हैं, हाँ तो मैं चाह रहा हूँ कि वो मसरूफ शख्सियत है, तो सबसे पहले उनको अगर उनको सदर साहब इजाजत दे तो उनसे उनको पहले जी। तो मैं जनाब हसन कमाल साहब के तारुफ में क्या कहूँ, बस ये कि आप साफी और शायर के तौर पर तो जाने जाते हैं लेकिन कम लोगों को इल्म होगा कि मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन की तहरीक आपकी सरपरस्ती में ही परवान चढ़ी। उलमा की मुखालफत के बावजूद अवाम ने इस तहरीक की बुनियादी ज़रूरत को मजबूती से आपने पेश किया और एक वक्त ये भी आया कि आपकी दलीलों से कायल होकर एक बड़ा तबका इस तहरीक में साथ हुआ, और अब इसी तबके ने जब जदोजहद जारी की आपकी सरपरस्ती में तो एक हुक्मनामा जारी हुआ और मुसलमानों को पसमांदा बिरादरियों के ओबीसी के ज़िम्मे में शामिल किया गया। दिलीप कुमार साहब के ताल्लुक से आपका एक मज़ून एक धूप थी जो साथ गई आफ्ताब के, हाल ही में रोजाना में इंकलाब की जीनत बना। आज आप हमारे इस प्रोग्राम में बनफ्स नफीस मौजूद हैं। दिलीप कुमार की मुस्लिम ओबीसी तहरीक से वाबस्तगी का खुलासा करने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इशारे ख्याल फरमा कर हमारी तशनगी बुझाएं। जनाब हसन कुमार साहब बेहतर है जनाब, मोहतरम डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी और दूसरे इस वक्त के मौजूद हज़रात, मुस्लिम ओबीसी तहरीक से यूसुफ भाई दिलीप कुमार साहब के जुड़ने के बहुत सारे वर्जन्स हो जाएंगे कि वो कैसे जुड़े, इसलिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँ कि मुझे चूँकि मैं वीपी सिंह साहब के साथ उनके इलेक्शन कैंपेन में शरीक था और राजबब्बर तो इस वास्ते जब मंडल कमीशन आया तो मुझे मंडल कमीशन के बारे में मालूम था, मगर सही बात यह है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम ओबीसी तहरीक शुरू हो गई है इसका मुझे शुरू में इल्म नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस ज़माने में प्रफुल्ल बुधवई का एक मज़मून शाया हुआ था
जिसमें उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में मुस्लिम ओबीसी की तहरीक चल रही है और ये भी बताया था कि कौन चला रहे हैं। और उसमें उन्होंने शब्बीर अंसारी, कपिल पाटी और विलास सोनावने का नाम लिखा था। तो मुझे, चूँकि मैं मंडल कमीशन की अफादियत से वाकिफ था और मुझे मालूम था कि ये बहुत ही एक अहम मोड़ है हिंदुस्तान की सामाजिक और सियासी तारीख का, तो मैंने किसी भी तरीके से मालूम करके शब्बीर अंसारी साहब से रابطہ कायम किया। और शब्बीर अंसारी साहब से रابطہ कायम करने के बाद जब मुझे उनकी मुलाकात हुई, वो मेरे गरीब खाने को तशरीफ लाए और उसके बाद मैं इस तहरीक से वाबस्ता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि एक बड़ा जलसा होना तय पाया कि अगर एक बड़ा जलसा हो और उसमें अगर ताकि के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और दूसरे लोगों को की तवज्जो हो मुस्लिम ओबीसी की तरह, तो ये हुआ कि औरंगाबाद में जलसा किया जाएगा, बहुत बड़ा जलसा होगा। और फिर ये भी हुआ कि अगर इस जलसे में किसी तरीके से दिलीप साहब आ जाए, मुझे नहीं मालूम है कि दिलीप साहब उस वक्त तक मुस्लिम ओबीसी से कितना वाकिफ थे कितना नहीं, तो मुझ चूँकि सब जानते थे कि मैं उस वक्त एक फिल्म भी थी जो मैं उनके साथ कर रहा था, मजदूर मैं लिख रहा था जिसे, और वैसे भी मेरे उनके ताल्लुकात थे और ज़हीर काज़ी के बहुत करीबी ताल्लुकात थे यूसुफ भाई से, तो ये कहा गया मुझसे कि मैं किसी तरीके से दिलीप साहब से ये तस्करा करूँ। तो मेरी पहले तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे ये मालूम था कि मुसलमानों में ओबीसी के बारे में कुछ ज़्यादा समझा नहीं जाता। और मुझे ये याद है कि मंडल कमीशन में के बारे में मैंने पढ़ा था कि मंडल साहब जब शुरू कर रहे थे इस तहरीक को अपने मिशन को और मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे थे तो बिहार भी गए, और बिहार में उन्होंने मुसलमानों से ये कहा, बुला के कुछ मुख्तदर मुसलमानों को बुलाकर उनसे कहा कि भाई ये मुस्लिम ये ओबीसी का मामला है और आप चूँकि ये मज़हब की बुनियाद पर नहीं है, पेशे की बुनियाद पर है, और आप लोगों को भी इसमें से बड़ा इसका हिस्सा और रख मिल सकता है, तो आप हमें बताइए। तो उसमें कुछ मुसलमानों ने एलिट मुसलमान यानी अशराफिया जिसे हमने आप कह दें, उन्होंने कहा कि अच्छा तो आप अब हमको भंगियों चमारों के साथ बिठाएंगे। तो ये एक परसेप्शन था कि पसमांदा का मतलब ये है कि क्या आप हमको जलील कर रहे हैं, बगैर इसके समझे हुए कि पसमांदा तबकात और का मतलब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजूहात क्या है। तो बहरहाल जब ये सब बातें मुझे मालूम हुई और तो मैं गया और डरते डरते और मैंने यूसुफ भाई से मुस्लिम ओबीसी का जिक्र किया, बताया उन्हें, तो जाहिर है शुरू में वो भी भड़क गए। तो फिर जब पूरा एक्सप्लेन किया, एक दो मुलाकात हुई, एक ही मुलाकात में सब नहीं तय हुआ, एक दो मुलाकातों में जब मैंने उन्हें बताया, वीपी सिंह के बारे में बताया, मंडल कमीशन के बारे में बताया, तो ये सब करते 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 नौबत ये आई कि उन्होंने कहा कि तो मैं क्या करूँ, मेरा मुस्लिम ओबीसी से क्या ताल्लुक है। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे पूछा, यूसुफ भाई गुस्ताखी माफ, आपके वालिद मरहूम हाजी सरवर का क्या कारोबार करते थे? तो फरमाया कि वो फल के आड़ती थे, फल बेचते थे, बहुत बड़ा कारोबार था फल का उनका। तो मैंने कहा आप लोगों का ताल्लुक पेशावर से है? तो बोले हाँ। तो कहने लगे, तो उन्होंने कहा कि पेशावर में आप लोगों के बाग भी होंगे आपके बाप दादा के? तो कह गया हाँ, हम तो पूछते नहीं बागबान हैं। बस मैंने ये लफ्ज़ पकड़ा, मैंने ये लफ्ज़ अभी किसी ने शायद इकबाल अंसारी ना किसी ने कहा कि बागबान और माली की जो उन्होंने बात की, तो मैंने ये लफ्ज़ पकड़ लिया और मैंने कहा हुजूर मुस्लिम ओबीसी की जो फहरिस्त बनाई गई है महाराष्ट्र में उसमें बागबान को भी शामिल। तो पहले तो बहुत थोड़ा सा अजीब नजरों से मुझे देखा और उसके बाद फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कि देखिए पसमांदा का लफ्ज़ के मतलब ये होते हैं, पसमांदा तबकात इनको कहते हैं,
और ये मुसलमानों में इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसमें 70-80% तक मुसलमान जो हैं वो ओबीसी ही हैं। और फिर मैंने उन्हें ये भी एक्सप्लेन किया कि आप ये देखिए यूसुफ भाई, कह लेंगे तुमने मुझे ओबीसी बना दिया। तो मैंने कहा नहीं, मेरी क्या मजाल कि आपको ओबीसी बनाऊं, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि आप हमारे अंबिया और औलिया कराम से वाकिफ हैं। आप देखिए कि हमारे अंबिया और औलिया कराम में कौन कौन लोग। मैंने कहा हजरत नूह, हजरत नूह से अल्लाह ने कहा कि तुम कश्ती बनाओ। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था कोई कश्ती का इंतजाम कर देना उनके लिए, लेकिन अल्लाह ने हजरत नूह से कहा कि तुम कश्ती बनाओ, क्योंकि हजरत नूह को कश्ती बनाना जानते थे, कश्ती बनाने वाले बड़े ही होते हैं, नज्जार होते हैं। मैंने कहा कि कुरान शरीफ में है कि हमने दाऊद के हाथ में लोहा नरम कर दिया और उसे एक फौजी लिबास बनाने का हुनर सिखा दिया। मैंने कहा लोहा किसके हाथों में नरम होता है? लोहार के हाथों में नरम होता है, अरबी में उसे हद्दाद कहते हैं। और मैंने कहा कि कितने ऐसे अम्बिया औलिया हैं, हजरत इमाम अबू हनीफा कपड़े का बिजनेस करते थे, हजरत इमाम अबू शाफे मछेरे थे, मछलियों का पकड़ते थे और मछलियों का कारोबार करते थे। मैंने कहा हमारे अम्बिया और औलिया, ये अर्ज किया कि यूसुफ भाई ओबीसी उन लोगों को कहते हैं जो मेहनत कश होते हैं और रिश्त हलाल की कमाई पर जिंदा रहे। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों के लिए चुना उन लोगों को जो मेहनत कश थे और जो रिश्ते हलाल पर ईमान रखते थे। तो बहरहाल इस तरीके से वो औरंगाबाद के जलसे में जाने में तैयार हो गए। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ से बहुत मदद की और औरंगाबाद में जलसा हुआ, तारीखी जलसा हुआ। और उसके बाद जाहिर है कि बड़ी ज़बरदस्त पब्लिसिटी में उसे मीडिया में मिली हर तरफ। उसके बाद फिर लखनऊ में एक जलसा होना तय हुआ मुस्लिम ओबीसी का, और फिर यूसुफ भाई ने वहाँ भी जाना मंजूर कर लिया और हम लोग साथी वहाँ गए। और उसके बाद वो मुस्तकिल मुस्लिम ओबीसी के मसले से के बारे में मालूमात अपडेट करते रहे, मालूमात हासिल करते रहे और उन्हें दिलचस्पी रही। फितरी तौर पर उनका एक एक, एक उनकी फितरत थी कि वो ये कहते थे कि सिर्फ अदाकारी जो है वो काफ़ी नहीं होती है आदमी को जिंदा रखने के लिए, लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग समाज की भलाई या समाज का कुछ काम करते हैं लोग उन्हें याद रखते हैं। तो इसलिए वो कहते थे कि मैं अपने जो दूसरे मेरे साथी हैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई ये फिल्म अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ समाज के लिए करो ताकि समाज तुम्हें याद रखे। और ये हकीकत है, मुझे याद है कि जब ये 1992 के राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, बम्बई में भी हुए थे, दिल्ली में भी हुए, तो दिल्ली में मेरे कुछ सोशल एक्टिविस्ट दोस्त थे और कुछ जेएनयू के लोग भी थे, तो उन्होंने एक यहाँ आए, उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, फसाद हुआ है और लोगों के मकानात जो हैं वो झोपड़ियाँ और झुग्गियाँ जला दी गई हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो जिन मुसलमानों की झोपड़ियाँ झुग्गियाँ जलाई गई थी उनका तो यह है कि वहाँ के जो मुखय्यर मुसलमान थे उन्होंने चंदा वंदा इकट्ठा करके उनकी झोपड़ियाँ झुग्गियाँ बना दी, लेकिन उनके पड़ोस में जो दलितों की झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी जो जल गई थी उनका कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा, उनका कोई मददगार नहीं। तो मैंने यूसुफ भाई से उसका भी जिक्र किया और मुझे याद है कि उन्होंने मेरे घर पर 2.5 लाख रुपया भिजवाया कि तुम इसे दिल्ली भिजवा दो। और मैंने वो दिल्ली भेजा गया और मैंने उनसे कहा, दिलीप साहब का उन्हें नंबर दिया कि आप जब जाएं तो जाके वहां से दिलीप साहब को शुक्रिया का फ़ोन कर दें ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि रकम सही जगह पर पहुँची। तो इस तरह के कामों में हमेशा बहुत आगे रहते थे। अदाकार तो बेमिसाल थे ही, लेकिन इंसान भी बेमिसाल थे। वो हमारी ज़िंदगी में जो खला पैदा हो गई है शायद दिलीप साहब की याद के अलावा उस खला को और कोई पूर ना कर सके। शुक्रिया नवाजिश, मुझे इजाज़त। हेलो हेलो
हेलो जी जी मुशीर भाई कहिए। हाँ जी शब्बीर अंसारी साहब आए क्या अशफाकपुर साहब फाजिल अंसारी या शब्बीर अंसारी साहब मुझे इजाजत है भाई जी सर साहब से इजाजत ले लीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब क्योंकि आपका ने जो है लोगों को मतलब ये बता दिया कि किस तरह दिलीप साहब की जो हिस्सेदारी थी मुस्लिम रिजर्वेशन बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर से इजाजत है डॉक्टर जहीर सॉरी अशफाक अकबर साहब फाजिल अंसारी साहब या शब्बीर अंसारी साहब मौजूद हैं नहीं शब्बीर अंसारी साहब मौजूद नहीं है फाजिल अंसारी साहब नहीं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं डॉक्टर साहब क्या है सिद्धार्थ जी हाँ बोलिए ना सर हाँ तो डॉक्टर साहब क्या सिद्धार्थ के खुतबा पेश कर दिया जाए आपका और कोई अगर खुर्शीद सिद्दीकी साहब है क्या हाँ खुर्शीद सिद्दीकी साहब है ना तो अगर उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो भी एक साथी हैं थोड़ा सा हाँ खुर्शीद सिद्दीकी साहब हैं ऑनलाइन हैं वो खुर्शीद सिद्दीकी साहब जो है वो मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन तहरीक में हमारे साथ 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 रहे और तमाम जलसों में हसन कमाल साहब पूरा एक टीम थी टीम के तौर पर हमने हम लोगों ने काम किया तो खुर्शीद सिद्दीकी साहब माजरत हूँ चूंकि टाइम बाउंड ये प्रोग्राम था इसलिए हम लोगों ने हाँ, कुर्सी साहब कुछ लोगों रखा था लेकिन आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी हमारे लिए गनीमत है और हम चाहते हैं कि आप भी अपने ख्याल का इजहार जो है करें और दिलीप कुमार साहब को खिराज अकीदत पेश करें क्योंकि आप तहरीक में साथ साथ रहे तो आप भी बखूबी उनसे वाकिफ तो मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब खुर्शीद सिद्दीकी साहब से कि वो जो है मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के फाल रुकन रहे हैं तो आप भी अपने ख्याल का इजहार फरमाएं खुर्शीद सिद्दीकी साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु आवाज आ रही है आपके मुस्लिम ओबीसी के साथ तो मैं रहा लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ एक वाकया जो है वो आप सभी हजरात से शेयर करना चाहता हूँ 92-93 का फसाद हुआ था और हालात जैसे भी थे आप सबको मालूम है थोड़ा सा 93 के अंदर जब हालात सुधरे तो हमारी एक मुस्लिम ओबीसी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम फेडरेशन जो पार्क साइड और घाटकोपर में काम करती है हमारे मरहूम हाजी यासीन खान साहब और अलीमुद्दीन खान साहब हमारे साथ थे उस वक्त हम सब ने मिल करके ये कोशिश की कि हालात को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कम्युनल हार्मनी को लाने के लिए शिवसेना के उस वक्त के यहाँ के लोकल एमएलए बीजेपी के जो बहुत ही ज्यादा करता धरता थे उन लोगों को साथ लिया और दिलीप साहब से हमने जाकर रिक्वेस्ट की कि हालात चूंकि अब सुधर रहे हैं लेकिन अगर आप हमारे साथ आते हैं और एक ईद मिलन के प्रोग्राम के अंदर शरीक होते हैं तो हम समझते हैं कि इससे हालात और ज्यादा बेहतर होंगे और वो फौरी तौर पर तैयार हुए और पार्क साइड के अंदर एक ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया कि उस वक्त जबकि फसादात थमे थे थोड़ा सा उस वक्त स्टेज के ऊपर शिवसेना और बीजेपी के लोगों के साथ साथ दिलीप साहब आए और उन्होंने कम्युनल हार्मनी पर लोगों के सामने तकरीर की आप यकीन माने कि उस वक्त वहां जो महाराष्ट्र खवातीन आगे बैठी थी उनकी आंखों से आंसू जारी थे और उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद एक अच्छा माहौल जो वो तैयार हुआ तो दिलीप साहब का मिजाज ऐसा था कि इसी से पता चलता है कि जब उनको ये पता चला कि मेरे अगर आ जाने की वजह से वहां के हालात ज्यादा सुधर सकते हैं बेहतर हो सकते हैं लोगों के दरमियान जो नफरतें हैं वो कुछ कम हो सकती हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर उसके लिए रजामंदी जाहिर की और वो प्रोग्राम में आए भी और आने के बाद एक अच्छा मैसेज वो देकर गए तो ये उनकी जिंदगी का एक अहम वाकया है कि जिसको मैं कभी भी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। बहरहाल ओबीसी के ताल्लुक से जो हसन कमाल साहब ने कहा है वो बहुत काफी है इसलिए कि दिलीप साहब ने इस बात को समझ लिया था
कि मुसलमानों में जो ओबीसी तबकात हैं इनके लिए हमको जद्दोजहद कोशिश करनी है कि उनको समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल हो जाए। और वो काफी हमारे साथ रहे, शब्बीर अंसारी साहब ने उनके उनको साथ में लेकर के ऑर्गेनाइजेशन को काफी आगे बढ़ाया, हत्या के दिल्ली के अंदर जब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा इजलास हुआ उस वक्त मुसलमानों के अंदर बड़ी गलत फहमी थी। उस इजलास के खत्म होने, हालांकि शरद पवार हमारे साथ थे उस वक्त और तुम्हारा लालू प्रसाद लालू जी भी साथ में थे स्टेज पे, इतने सब बड़े नेता थे, लेकिन प्रोग्राम होने के बाद दिल्ली के अखबारात ने ये लिखा कि शब्बीर अंसारी जो है मुसलमानों के अंदर फिरका वारियत और एक तरह का बिरादरीवाद जो है वो लाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ओबीसी की जो मुराद है वो मुसलमानों को हासिल हो जाए, उसको हासिल करने के लिए कोशिश जो जद्दोजहद जा रही थी वो जद्दोजहद आज भी जा रही है कि मुसलमानों के जो ओबीसी तबकात हैं उनको रिजर्वेशन हमारे दस्तूर ने दिया है। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर भी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो जीआर बने हैं उन जीआर के अंदर इस तरह की बात है कि साहब 1967 का आप सबूत दीजिए, पहले तो सिर्फ रिहायशी सबूत था, अब ये कहते हैं कि साहब आप अपनी जात का अपनी कास्ट का सबूत दीजिए, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट निकालना भी मुश्किल है, उसी के साथ साथ वैलिडिटी तो इंतहा ही मुश्किल है। हालांकि मैंने थोड़ी सी जद्दोजहद कोशिश की थी और उसके नतीजे मैंने अपना जो सर्टिफिकेट हासिल किया 95 के जीआर पे हासिल किया। और अभी कुछ दिनों पहले नाना पटोले जी के साथ में शब्बीर अंसारी साहब ने एक मीटिंग रखी थी, उस वक्त यही बात रखी गई थी कि साहब ये एक देरीना हमारी ख्वाहिश है कि मुसलमानों के जो ओबीसी के तबकात हैं उनको उसका जरा फायदा होना चाहिए, ये अगर 95 का हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल वो कोशिश अभी भी जारी है, शब्बीर अंसारी साहब को मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा, अगर वो इस वक्त मौजूद होते तो गालिबन और ज्यादा बात कह सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया मुशीर साहब, डॉक्टर जहीर काजी साहब और दीगर अफराद को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप इसमें शरीक हुए और सभी का मैं एहसान मंद हूँ, शुक्र गुजार हूँ, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया खुशी सिद्दीकी साहब। और सिद्दीकी साहब ने आपके सामने बहुत सारी बातें इंसानियत की हमदर्दी की और ओबीसी का मसाइल का भी जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि अभी मुकम्मल तौर से ओबीसी तहरीक जो है वो शायद सुस्त पड़ गई है, वरना वो जो मसाइल खुर्शीद भाई आप बयान कर रहे हैं हम लोग हल कर सकते हैं। बहरहाल जमान में कोशिश जारी है और दुआ करें कि सब मिलकर जो है हम और जो आने वाले मसाइल को, खसूसन वैलिडिटी का मामला हमारे पिछले बच्चों के लिए दरदसर बनता जा रहा है, वैलिडिटी आसानी से हासिल होगी। अगर डॉक्टर साहब इजाजत दें तो मेरा ख्याल है दो मुकर्ररीन की बात कर रहा हूं मैं, फाजिल अंसारी साहब मेरे ख्याल में मौजूद हैं। तो वो मौजूद है ही नहीं तो जाहिर है फाजिल अंसारी साहब, फाजिल अंसारी साहब बहुत अच्छी बात है। तो मैं फाजिल अंसारी साहब से गुजारिश हो जाता हूँ जो है वो मोहम्मद फाजिल अंसारी जी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के कौमी कारकुनदा सदर हैं और सैदराज से शहर भिंडी की ये शख्सियत सियासी और समाजी हलकों में मकबूल है। मुस्लिम पसमानदा बरादरियों के हकूक के लिए आवाज तक जहले मुसलसल कर रहे हैं और मुस्लिम ओबीसी तहरीक के आगाज से ही जुड़े। मैं मोहतरम फाजिल अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। जनाब फाजिल अंसारी साहब एकदम निकल जाओ, तुम मेरा बोलने का टाइम आया, चल बाहर। फाजिल साहब ये फाजिल साहब आप फरमाइए। जी फाजिल साहब अनम्यूट है क्या है? हाँ वो उनको स्क्रीन से करना रहेगा। फाजिल साहब अपनी स्क्रीन से आप अपनी स्क्रीन से म्यूट अनम्यूट का देखिए सर। फाजिल साहब आपकी स्क्रीन पे जो स्पीकर का वो दिख रहा है ना आइकन, देख तो इधर से मैं उनको उनको बात करने दीजिए शायद। हाँ वो फाजिल साहब अपने
स्क्रीन से अनम्यूट हो जाइए प्लीज, स्क्रीन को टच कीजिए तो वो आइकन नजर आएगा आपको। आप स्क्रीन को टच करेंगे तो लेफ्ट पर नीचे माइक का दिखेगा आइकन, चलिए जब से मैं मुशीरफ साहब इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा मालेगांव और साहब का तस्करा कर दूं। मुशीर भाई मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच, फरमाएं आप। सर आज से तकरीबन 40-41 साल पुराना वाक्य है ये कि हमारे शहर मालेगांव में एक अंजुमन है, अंजुमन इमदाद तुलवा, उसको फार्मेसी कॉलेज के बुनियाद के लिए जरूरत महसूस हुई कि कुछ फंड इकट्ठा किया जाए। और जैसे कि यूसुफ साहब का दस्तूरी था कि वो अदारों को और उर्दू और अकलियती अदारों के लिए अगर उनको जरूरत होती थी उनकी तो बराबर उनको लब्बैक कहकर पहुँचते थे। तो 21 अप्रैल 1980 को दिलीप साहब मालेगांव भी आए थे और यहाँ पर अंजुमन मोइनुत तुलबा के जेर इंसराम जो एक मालेगांव हाई स्कूल है, बहुत बड़ा कैंपस है, तो यहाँ पर उसके वसी मैदान में साजो आवाज के उनवान के तहत एक शताब्दी प्रोग्राम दिया गया था, उसमें बाकायदा टिकट रखा गया था और वहाँ से जो इनकम हुई थी तो वो इनकम जो है फार्मेसी कॉलेज के लिए मुख्तस की गई थी। एक बेहतरीन प्रोग्राम था, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, पूरा शहर उमड़ा हुआ था और उन्होंने पूरे तौर पर तन मन धन जो हम कहेंगे उसके जरिए उन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और हमारा मालेगांव आज भी उनका एहसान मंद है इस मामले में, क्योंकि फार्मेसी कॉलेज की बुनियाद से हमारे यहाँ पर जो फार्मेसी के मसाइल हैं वो बहुत हद तक हल हुए, बहुत हद तक क्या बहुत बड़े पैमाने पर इसके हमको फायदे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको इसका जजाय खैर अता करे, दिलीप साहब को, कि उन्होंने मालेगांव के लिए भी कुछ किया। जी फाजिल साहब को आवाज दीजिए प्लीज आप, मैं मुख्तसर सी बातें मालेगांव से मुतालिक कहना यही चाहता था बस। फाजिल साहब, फाजिल साहब अभी भी उनका माइक का ही मसला है। जी सदर साहब की जो राय हो उस पर अमल किया जाए। उनको मैं हो रहा हूँ। हाँ जी अशफाक मोहन क्या करें? मेरे नहीं आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में वो आवाज तक नहीं पहुंच रही है उन तक। सर दिल्ली गए हुए हैं तो शायद हो सकता है नेट का भी प्रॉब्लम हो। हाँ मुमकिन है, दिल्ली में आगे बढ़ते हैं देखते हैं फिर। सदर साहब अगर खुद भाई सदारत ही रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर मुझे बुलाने तो दीजिए, मैं आपसे इजाजत ले रहा था सर। अच्छा जी, आंख से दूर सही दिल से कहां जाएगा, आंख से दूर सही दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बताए। इस तकरीब का एहतमाम उसी जात के लिए किया गया जो अजीम थी, अजीम है और अजीम रहेगी, अल्लाह की मफ़रत फरमाए। इससे कबल के सदारती खुतबे के लिए मैं कहूँ, मुझे याद आ रहा है कि मंडल कमीशन की सिफारिशात के बाद हमारे इलाके मदनपुरा जहाँ अंसारी और कुरैश की बिरादरी अक्सरियत से आबाद हैं, मरहूम फतेह मोहम्मद अंसारी साहब को मैं याद करना चाह रहा हूँ कि उनकी क़यादत में मुसलमान पसमानदर बिरादरियों को ओबीसी हकूक दिलाने के लिए तहरीक शुरू की गई। मदरसा गरीब नवाज में दीगर बिरादरियों यानि शाह बिरादरी, सलमानी बिरादरी, संतराज बिरादरी और बागबान बिरादरियों के जिम्मेदारों की मीटिंग हुआ करती थी और बाद अज़ां उस वक्त के वज़ीर आला वसंत दादा पाटिल के खिदमत में मदनपुरे की इन बिरादरियों की जानिब से
मरहूम ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब की क़यादत में एक मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें ये कहा गया, उनसे दरख्वास्त की गई कि मुस्लिम पसंदों को ओबीसी की मुराद हासिल हो। इसी दरमियान हमें इल्म हुआ कि महाराष्ट्र के दीगर अजला में जनाब शबीर अंसारी इस तहरीक को लेकर ज़ोर शोर से अमल पैरा हैं, लिहाजा उन्हें मुंबई बुलाया गया और उनके साथ चलने की ठान ली गई और फिर इस तहरीक को जोर पकड़ने के लिए यहाँ पर मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की शाख कायम की गई, जो जिसके पहले सदर निज़ामुद्दीन राइन, मैं उसका नायब सदर रहा। निज़ामुद्दीन राइन साहब के क़यादत में हज हाउस में एक बड़ा जलसा दिया गया, जिसमें उस वक्त के मरकजी वजीर रामविलास पासवान साहब तशरीफ लाए, यहाँ के कैबिनेट के कई वज़रा तशरीफ लाए, दीगर महाराष्ट्र के अजला से मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों के जिम्मेदारान तशरीफ लाए और साथ ही दिलीप कुमार साहब भी उसमें मौजूद, सर कमाल साहब, डॉक्टर जहीर कादरी साहब, खुर्शीद सिद्दीकी साहब और हसीब लताब, इम्तियाज बाहमान, इस तरह के कई लोग शामिल हुए और उस जलसे को कामयाब किया गया और एक बड़ा जमे गफीर उस हजाउस में जमा हुआ, जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ओबीसी बिरादरियों का एक सबसे बड़ा जलसा है। और उसमें तय हुआ कि शबीर अंसारी साहब की क़यादत में तहरीक जोर पकड़े, गैर कैफियत तहरीक जोर पकड़ती गई, जिसमें दिलीप कुमार साहब पेश हुए। मैं इज़्ज़त माब डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम की सदारत कबूल की। आप शहर के मोतबर अदारा अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी अंजुमन इस्लाम ताली मैदान में कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ रहा है। अंजुमन इस्लाम को यह खुसूसी एजाज भी हासिल है कि दिलीप कुमार को उसने मरहूम यूसुफ खान के तालीब इल्मी के ज़माने को निहारा है। डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब दिलीप कुमार के करीबी साथियों में हैं, बांद्रा की शाम में इसकी गवाह हैं। मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन तहरीक से दिलीप कुमार साहब को जोड़ने का रिश्ता, जहां बाबू कुरैशी मरहूम यूसुफ लकड़ावाला हसन कमाल साहब का हिस्सा है, वहीं डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी भी इस अजीम शख्सियत को इस तहरीक में शाना बशाना रखने में बड़ा किरदार अदा किया है। मैं डॉक्टर साहब से मुअद्दबाना इस्तदा करता हूँ तो हरफ़ आखिर के तौर पर अपना सदाब के तौर पर पेश करें। जनाब डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलीप साहब के बारे में, यूसुफ भाई के बारे में गुफ्तगू करना कुछ आसान काम नहीं है। आज की जो नशिस्त है वो ओबीसी तहरीक को लेके है, और तो ओबीसी की तहरीक जब शुरू हुई उस दौर में लग रहा था कि ठीक है, एक मूवमेंट चल रहा है कहीं कोने में महाराष्ट्र के, और उसके बारे में जानकारी भी नहीं थी लोगों को। और उस दौर में हमारे उलमाए कराम तो ये कह रहे थे कि इस्लाम में जात और पात किधर है, तो एक बड़ा वो भी एक मसला था। तो ये तय हुआ कि एक कोई हमको एक रोल मॉडल चाहिए जो इस मोमेंट को आगे ले जाए। तो बांद्रा के लोगों में आपस में एक बैठक भी हुई उस दौर में, और हसन कमाल साहब ने जो बात की बिल्कुल सही है, उनको ब्रेनस्टॉर्म करने का जो काम था वो हसन कमाल साहब का था टू बिगिन विद, लेकिन हम लोग सब उनसे जुड़ गए। और हमने देखा कि जब औरंगाबाद का प्रोग्राम हुआ, बड़ा शानदार प्रोग्राम था, उसके बाद उनको दूसरे रोज जालना में बुलाया गया। मेरे ख्याल से शब्बीर अंसारी साहब उस इलाके से उनकी वाबस्तगी है, तो बाय रोड चले गए वहां भी। और फिर उसके बाद जब प्रोग्राम होने के बाद गाड़ी में बैठे रहे, जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मेरे इन्वॉल्वमेंट से कुछ इसको डायरेक्शंस मिलेगा? हमने कहा सर व्हाई नॉट, सर्टनली। और बांद्रा के जो लोग हैं, साहिब इमाल भी है और दूसरे तालीमी इदारों से भी जुड़े हुए थे, उसमें थोड़ा बहुत रिजवी साहब को भी जोड़ा गया उस पर, वो फिर उनके दिमाग में बात आई कि नहीं, इसको आगे ले जा सकते। उनका ये था कि कमिटेड लोग कम्युनिटी में है क्या,
पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग वगैरह वगैरह, तो उनको एक ग्रुप नजर आया तो उनको लगा कि नहीं मैं इस मूवमेंट को आगे ले जाऊंगा। उनसे जब पूछा गया कि ओबीसी के बारे में आपने तो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होने के बाद आपके बाद दिमाग में बात आई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जब बाबा साहेब अम्बेडकर को एक शूटिंग में गया था औरंगाबाद में, तो वहाँ के गेस्ट हाउस में मैंने उनसे मुलाकात की, और फिर वो कहने लगे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब मीटिंग खत्म हुई उनकी तो जाते जाते उनसे कहा कि मुस्लिम्स आर ऑल्सो द मोस्ट बैकवर्ड एंड दिल स्टाफ यू नीड टू डू समथिंग टू देम। तो वो जब मेरे दिमाग में बात थी, और उसके बाद उन्होंने एक किस्सा सुनाया, वो फुटबॉल टीम में एक अच्छे प्लेयर थे, सेंटर फॉरवर्ड थे, अंजुमन की टीम में फुटबॉल ही खेलते थे, फिर जब वो कॉलेज गए खालसा में तो खालसा की टीम शायद बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टाइटल को जीत लिया टीम ने, और उसका कैप्टन एक महार दलित बच्चा था, इसका नाम पूरा नहीं लिया जा रहा, उसको बाबू क्या करते थे, तो उस बाबू ने शायद घर पे दावत रखी और अपने हाथ से उसने मराठी में बोलते ना कोमड़ी साधली, मुर्गी का सालन वगैरह बनाया ये वो, तो उन्होंने देखा कि दूसरे टीम के मेंबर्स कोई भी नहीं आए, तो उसे पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं दलित हूँ तो शायद ये वजह हो सकती है मेरे हाथ का खाना नहीं खाया, उस दौर की बात है, कहा मुझे बहुत खराब लगा इस बात, लेकिन उसके बाद आप लोग ये सब ढूंढने के बाद ओबीसी की बात आई तो मुझे लगा कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए। और दलीप साहब का जो तौर तरीके थे वो कुछ जो भी काम हाथ में लेते ना तो उसको वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि विल टेक इट्स टू फाइनल कंक्लूजन, तो उन्होंने कहा इसको आखिर तक ले जाना है तो सब लोग जुड़े रहोगे, नहीं तो मुसलमानों में अक्सर देखा जाता है कि तहरीक शुरू होती है और तहरीक खत्म भी हो जाती है। तो हमने कहा साहब नहीं हम सब साथ में रहेंगे, उस वक्त मरहूम बाबू कुरैशी साहब थे, फिर शासन कमाल, मैं और हमने बहुत सारे दौरे किए उनके कहने पर, बल्कि रात को हम एसटी से भी ट्रैवल किए, नासिक से धुलिया, धुलिया को रात को रुके, और फिर ट्रेन से हम पीचलकरंजी गए वगैरह वगैरह बहुत जगह, फिर उनको अपडेट देते रहे कि नहीं हम भी जा रहे हैं, तो उनको जला लगा कि नहीं लोग जुड़े हुए हैं, तहरीक जाएंगे। तो जब वो मौका आया तो शरद पवार साहब थे उस दौर में, ये 95 की बात है, उनकी मिनिस्ट्री कुछ 6 महीने का उनका टेन्योर बाकी था, तो उस दौर में वो जीआरपी आया, और उसके बाद दूसरी सरकार आई, बीजेपी सेना की पहली बार सरकार आई, मुंडे साहब ने भी थोड़ी बहुत मदद की उनके कहने पे, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटीज थे सर्टिफिकेट इशू करने के उसमें बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर एक बार उन्होंने कहा चलो हम चलते, और विलासराव देशमुख जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनसे कहा देखो शरद राव ने ये करके दिया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, विलास राव तुम नौजवान आदमी हो आपको करना होगा। और एक बात मैं बताऊँ आपको अंदर की बात, विलासराव देशमुख को चीफ मिनिस्टर बनाने में दिलीप साहब का बड़ा रोल था, इस बात का मैं गवाह हूँ, वो उनको बहुत मानते थे, उन्होंने जैसा इकबाल अंसारी साहब ने कहा वो बात सही है बिल्कुल, इमीडिएटली उन्होंने वहां से इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया, इकबाल अंसारी साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो दिलीप साहब की खास बात ये थी कि उनको ऐसा लगता था कि हमारे लोग कुछ काम करते हैं और आधे में छोड़ जाते हैं, तो सोशल काम की वजह से, लेकिन जो तालीमी इदारे जो लोगों ने बनाए वो मुकम्मल हुए, अच्छी तरह से चले, बहुत लोगों ने बनाए, सिर्फ अंजुमन ने नहीं महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर, उसमें उनको बहुत दिलचस्पी थी। वो फंड रेजिंग प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने सफर किया है, और मैं उनके साथ रहा कई बार, और बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा। एक मुझे याद है 1985 में हमने एक स्कूल शुरू किया था, अंजुमन का नहीं था, दूसरे ट्रस्ट का था, रिद्वान हरीश साहब का ट्रस्ट था नाला सुपारम, तो रोड से जाना था, उस दौर में रोड से जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, तो आप चले फिर आपको माइग्रेन हो गया, थोड़ी रेस्ट ले, लेकिन फंक्शन में आए, किसी को पता नहीं था कि फंड रेजिंग होगा, वो आए थे इसलिए कि इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, वो प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर अभी नहीं होगी,
मैं पहले आप जो हजरात हैं जमा उनसे रूबरू होना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं चाहूंगा कि आपके जेब में मैं मेरा हाथ डालू। आप बताइए क्या पैसा जमा करोगे आप? तो लोग बड़े खुश हो गए और लोगों ने दिया पैसा हो गया, यानी ये प्लान था ही नहीं। उसके दूसरे रोज बाद मुझे फोन किए, बोले डॉक्टर तुम कब आ रहे हो? एक दो तीन दिन के बाद आऊंगा, क्योंकि पेशे से हम डॉक्टर है तो हेक्टिक शेड्यूल था, तो हमारी अक्सर मीटिंग रात में होती थी और वो सुलेमानी चाय बन के आती थी वगैरह, और बहुत सारे अच्छे अच्छे किस्से है उसके। तो मैं गया रात में, तो जनाब आपने अपना पर्सनल चेक लेके आए थे? बोले ये तो मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि देखिए, और दिलीप साहब का ऐसा था कि वो इतने सारे पिक्चर नहीं बनाते थे। आज के जो खान बिरादरी के लोग हैं वो करोड़ों में खेल रहे हैं, तो दिलीप साहब का दिल भी बड़ा था। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस और प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, व्हाटएवर यू कॉल इट। और वो अपने कम्युनिटी से इतना लगाव था उनको, वो कहते थे कि मुझे आप इस्तेमाल कीजिए और हिकमत अमल से इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये मैसेज भी नहीं जाए कि दिलीप साहब सिर्फ एक कम्युनिटी की तरफ उनका झुकाव है, क्योंकि उनको एक उनका एक इमेज था, ही वॉज अ वेरी सेक्युलर पर्सन, और वो इमेज भी रखना बहुत जरूरी था क्योंकि उनसे बहुत सारे काम हुआ करते थे। तो जब अंजुमन इस्लाम की बात आई, 1985 में सेंटेनरी सेलिब्रेशन होने को जा रहा था और राजीव गांधी उस फंक्शन को प्रिजाइड कर रहे थे, तो उससे पहले बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। दिलीप साहब ने अपना पूरा वक्त दिया, यहाँ तक के शानमुकानंद हॉल में लता मंगेशकर नाइट उन्होंने ऑर्गेनाइज की फंड रेजिंग के लिए, और उन्होंने अंजुमन का जो तराना, अभी हम अंजुमन का जो हर फंक्शन के वक्त बजा लेते हैं, वो उन्होंने वो तराना एक साहब को गवाया, किसी से लिखवाया, मेरे ख्याल से अली सरदार जाफरी साहब से कहा आप ये तराना लिखिए, और वो सब मुकम्मल हुआ। तो अपने स्कूल के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। और मैंने और एक पहलू उनका देखा कि अपने उस्ताद के लिए, जो उस्तादों के लिए जो एहतराम था उनका, जो रिस्पेक्ट था, वो मिसाली था। मरहूम प्रिंसिपल जियाउद्दीन साहब, खलीफा जियाउद्दीन साहब से उनको इतना लगाव था कि वो कभी भी बम्बई से आते वक्त माहिम में अपनी गाड़ी रुका के उनके घर भी चले जाते थे, और हमने मैंने करीब से देखा है, उनको रोते हुए देखा है। उन्होंने अपने उस्ताद को देखा है कि व्हील चेयर पे बैठे हुए, तो गले से मिलना, उनसे रोना। तो खलीफा जियाउद्दीन के दो फेवरेट स्टूडेंट एक दिलीप साहब थे और एक बैरिस्टर यार अंतुल। तो दिलीप साहब का ऐसा था कि उनको क्रिकेट में भी ज्वाइन करना था, तो अंजुमन की टीम बहुत जबरदस्ती क्रिकेट की, तो खलीफा जियाउद्दीन ने कहा नहीं आप फुटबॉल में खेले, क्योंकि खलीफा जियाउद्दीन फुटबॉल के भी ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे और वो एक बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड थे। मुझे याद है एक बार एक फंक्शन था बहुत पहले, जिसमें विजय मर्चेंट अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर दिलीप साहब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते तो इंडियन टीम में वो जरूर खेल लेते, यानी इतना अच्छे क्रिकेटर भी थे। तो एक ये पहलू उनका ये भी था। और जो आपकी ओबीसी तहरीक थी, वो जब उसके चीजें हमने हासिल करने के बाद वो तहरीक में वो और भी जुड़े रहे। मुझे एक वाकया याद है कि सांगली को जाना था, सांगली में मेरे ख्याल से शब्बीर अंसारी और उनके जो वहाँ के चाहने वाले लोग थे उस इलाके के, कुछ एक नर्सिंग स्कूल और एक स्कूल का इनॉग्रेशन था। तो वो चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे हम, और हमको पता था कि वहाँ की जो एयर स्ट्रिप है कोल्हापुर की वो इतनी खराब है, लैंडिंग भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, बहुत कम फ्लाइट जाते हैं। तो मुझे थोड़ा फ्लाइट्स में गड़बड़ होती थी उस जमाने, तो मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, तो मुझे पैसेंजर भेजा, जॉन आया घर पे, बोला साहब नहीं जाएंगे आप, नहीं आएंगे। तो मेरी तो हालत खराब थी, गए हम उस फ्लाइट में, मेरे ख्याल से मैं था उसमें, मपुआकर करके एक टाइम्स ऑफ इंडिया का सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट था, वो थे शब्बीर अंसारी और रशीद ताहिर मोमी, ऐसे चार पांच लोग थे, हाँ आजू बाजू बैठे थे। तो फ्लाइट में इतना टर्बुलेंस था कि इतनी हिलने लगी वो फ्लाइट, तो मैं तो बहुत ही घबराया था, तो मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले
सफर की दुआ आती है, बोला आती है, दोनों मिलके पढ़ेंगे तो सफर की दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद एक कुरान की एक आयत पढ़ी उन्होंने, और वो जो जिस तरह वो उन्होंने पढ़ा, मुझे लगा कि एक कारी जिस तरह से रिसाइट करते हैं मोर और लेस, और 15 मिनट वो बोलते रहे। तो फिर लैंडिंग आया, तो लैंडिंग इतना खराब था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, घबराना नहीं डॉक्टर, तुम तो डरपोक हो, लैंडिंग हो। उसके बाद हम वहाँ फंक्शन में पहुँचने के बाद रात को होटल में चले गए, तो उनके लिए एक बड़ा 2 कमरे एक साथ में जिसे सूट कहा जाता वो थे, और उसी फ्लोर पे मेरा कमरा भी था। तो वो आया अपने कमरे से, बोला आप इधर कैसे रह सकते हो, मेरे साथ आना चाहिए। तो मैंने देखिए उनकी जो ये थी जिस तरह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो कहा जाता, वो ऑर्गेनाइजर से कहा कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहे तो मैं भी अभी निकल जा रहा। तो फिर मैं उनके साथ रहा और बहुत करीब से उनको देखा। सुबह 4 बजे तक हमारे गप्पे चली थी, गप्पे बोलते ना यार, गुफ्तगू होती उस तरह की। तो वो फ्रूट्स आ गया था उधर, तो उन्होंने कहा आप खाने लगाओगे ये आप देखिए छुरी से किस तरह फ्रूट को साफ किया जाता है। मैं बोला मैं फ्रूट वाला, तो एक मौसम भी उठाए, बोले ये खट्टी मीठी होगी देख लेना। उसको उन्होंने इतनी जैसे सर्जन किस तरह करता है स्किल, एकदम साफ उसको करके एक पकड़ी थी, बोले एक चेस्ट करो एक खट्टी मीठी होगी, बोला हाँ खट्टी मीठी, अभी मैं तुमको मीठी खिलाती। फिर उनका दूध आया तो बोले नहीं पहले आप पियोगी। और फिर हम रात भर बहुत सारी बातें होती रही, और मैंने ये महसूस किया कि इस तरह की शख्सियत बहुत कम होगी, और शायद इनके जाने के बाद तो पता ही नहीं क्या होगा। तो फिर वापस आने के बाद रास्ते में मुझसे और एक बात कही, बोले जहीर वो इस्माइल यूसुफ कॉलेज के बारे में आप बोल रहे थे, तो फॉर्म की जायदाद है, सरकार पकड़ के बैठी है, उसका कुछ सोल्यूशन निकालना है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। कल विलासराव देशमुख आ रहे हैं और उसको चीफ मिनिस्टर बन के 2 दिन हुए, और वो पहली बार मिलने आ रहा है, नागपुर से आएगा, और स्टार टीवी चलता था उस जमाने में, फिर जी टीवी आया, दूरदर्शन के बाद एनडीटीवी और फिर स्टार न्यूज जो आया था, तो उसका प्रोग्राम उन्होंने अपने कंपाउंड में रखा था। बोला मैं किसी को नहीं बुला रहा, आप आ जाओ, और सिर्फ एजेंडा ये रहेगा कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज को किस तरह विल बी गिवन बैक टू द कम्युनिटी एंड यू विल हैव टू स्पीक। हम गए तो उनके यहाँ, अगर आप जो मेहमान वहां मौजूद थे, हुज हू ऑफ इंडिया वॉज प्रेजेंट, फॉरगेट अबाउट मुंबई, और वो सेट टेबल रखा हुआ था, सेंट्रल चेयर थी, जैसा विलासराव देशमुख आए नागपुर से आया, उनके साथ रानी साहब भी आए, उनको बोला कुछ नहीं पहले ये बात करोगे आप, बातें सब देखेंगे। तो बोले सर आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने ये किया वो किया, बोला वो सब ठीक है। तो फिर वो जो कुर्सी थी सेंटर, उसमें मुझे बिठाया और बाजू में विलास राव को बोला, बोले अपन पहले मुद्दे की बात करते कम्युनिटी की, फिर ये चर्चा चलते रहे। तो मैं विलास राव जी से बताया ये ऐसी सी बात है, तो उन्होंने बड़े पोलाइटली ये कहा कि ये तो डीप फ्रीज में गया हुआ है, लेकिन इसको सबको मेहनत करनी होगी, सोनिया जी से भी बात करनी होगी, शरद पवार से भी करनी होगी। तो हमने कहा ठीक है सब करेंगे, लेकिन उन्होंने 15 मिनट अपना फॉर्मल प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले इस्माइल यूसुफ मुद्दे पर विलास राव से वादा लिया कि तुम इसको आगे बढ़ाओ। अभी आप देखिए एक पर्सनल प्रोग्राम में भी उनको उस तरफ की बात करनी थी। और एक वाकया मुझे याद है कि दिलीप साहब का ऐसा था कि फंड रेजिंग में वो कहा करते थे कि मेरे आने से कुछ तो कौम को फायदा होना चाहिए, इस इदारे को आप इतना पैसा दोगे तो मैं आपके प्रोग्राम को आऊंगा, नहीं तो दूसरे स्टार्स आज का ऐसा है कि दे टेक मनी टू कम फॉर योर प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम वाशी में था, वापी में गुजरात में, तो ये तय हुआ कि दिलीप साहब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो दिलीप साहब के साथ हसन कमाल थे, यूसुफ लकड़ा वाला थे, रिजवी साहब थे, दिलीप साहब थे। मैं कहा साहब मैंने आऊंगा आपके साथ, वो आपकी फ्लाइट देख ली मैंने, और तो बोले तो फिर तुम नहीं आओगे तो कैसा होगा, बोला मैं आ रहा हूँ। एहसन भाई और असलम भाई उनके जो भाई थे वो दोनों मेरे साथ पे थे, मैं छोटी गाड़ी थी जैन, उसमें बैठ के हम वापिस चले गए। तो आने के वक्त हेलीकॉप्टर को अलाउड नहीं था रात, तो वी ट्रेवल बाय रोड, रात में वो हमको 3:30-4 घंटे लगे,
और उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था तो रास्ते में रुकते थे, फिर सायरा बानो का फोन आता था, डॉक्टर ये कहाँ पहुंचे, तो बड़े मुश्किल से सुबह 5 बजे हम पहुंचे, और उनके जाने से एक फैक्ट्री में गए, एक प्रोग्राम में गए, तो 1 करोड़ रुपया रेज हुआ वो कॉलेज के फंड के लिए, और इस तरह के उनके कई ऐसे काम है कि लोगों को पता ही नहीं। तो जब ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई तो ये एस्पेक्ट ऑफ दिलीप कुमार उसमें हाईलाइट नहीं हुआ, तो सायरा जी ने कहा कि नहीं आपको बैठना होगा, मेरी ऑटोबायोग्राफी जिस साहिबा ने लिखी है और हम उसको अलग तरीके से थोड़ा डायरेक्शन देंगे। तो वो ये चाहते थे कि ये जो तहरीक है हमारी ओबीसी की, एजुकेशनल एस्पेक्ट की, सोशल एस्पेक्ट की, इसको किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाए, और मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर रहा तो ये ओबीसी मूवमेंट में, और शबीर अंसारी साहब अभी नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, उन्होंने भी बहुत काम किया, दूसरे भी लोग जुड़े रहे, और उन्होंने बहुत पैशनेटली काम किया। ये था उनका कि इसको किसी तरह वी हैव टू गेट इट डन, हाफ वे नहीं छोड़ना चाहिए। और उनकी मेहमान नवाजी साहब, उनके खानदान से आप ये समझिए कि मैं एक उनके खानदान का एक मेंबर ही बन गया था, और उनके यहाँ पेशावरी आलू गोश्त का सालन बनता था, वो इतना टेस्टी कि मैंने आज तक उस तरह का सालन कहीं नहीं खाया। और उनके घर में जब आप जाओगे तो आप अगर डिनर के वक्त हो गए या लंच के वक्त हो गए तो आपको खिलाए बगैर वो भेजते नहीं थे, बोला मेरे घर में आना नहीं। और ये मेहमान नवाजी उनके पूरे खानदान में थी, एहसान भाई, असलम भाई, अख्तर आपा, सईदा आपा, ऑल ऑफ देम। और उनके जो भाई थे एहसान भाई, असलम भाई, और खास करके वो बहन अख्तर आपा जो मिसेस के आसिफ थी एक जमाने में, तो उनका रिहाइश का जू में था, तो हमारी फैमिली के उनके साथ मीटिंग वहां होती थी, और मैं उनका एक कनेक्टर या एम्बेसडर बोले जो भी है। तो जब इनका डिस्कशन होता था लिटरेचर पे, उर्दू में, अंग्रेजी में, एक से बढ़ के, हमको लगता था कितने दिलीप कुमार है इनके फैमिली में। अख्तर आपा जो उनकी बहन थी, शी हैड स्टडीड इन स्विट्जरलैंड, उनकी उर्दू, उनकी अंग्रेजी और वो अरेबिक जो जानती थी, और उर्दू का तलफ्फुज, इंग्लिश का डिक्शन, अरे बाप रे। तो मुझे लगता है कि वो उनके खानदान में ही था वो सब। और दिलीप साहब जब बैठे थे डिस्कशन के लिए, उनकी इतनी पकड़ थी हर इशू पे, सोशल इशू हो, एजुकेशन का इशू हो, पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में तो बहुत जबरदस्त पकड़, ही वुड डिस्कस एनीथिंग एंड देयर वाज नो नॉनसेंस इन दैट, इट वाज वैल्यू एडिशन। उनके साथ जब आप बैठे रहो तो ऐसा लगता था कि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ नई चीज जानने मिल रही है। और कई बार ऐसा भी था उनका कि आप उनके पास बैठे रहो तो हमको लगता था अरे कितना वक्त दिया, दिलीप साहब अभी हम निकले, अरे बैठो यार, तो हम बोलते थे आपका बहुत वक्त दिया, अरे बोले आपने तो भी अच्छा वक्त दिया हमको। यानी इस तरह का उनका ये था, ही वुड मेक द पर्सन हु इज टॉकिंग टू द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन। और एक चीज जो दिलीप साहब ने अपने प्रोफेशन से जो एक मैसेज दिया है कम्युनिटी को एंड इन पीपल इन जनरल, कि आपको परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने इस बारे में मुझे एक बड़े डिटेल में बताया कि कोहिनूर की जब वो शूटिंग हो रही थी मधुबन मा दिघा नारे, वो जो गाना था क्लासिकल, वो कहा कि वो गिटार पे और तबले पे मैंने 3 महीने प्रैक्टिस की। तो बोले यू शुड बी अ परफेक्शनिस्ट एंड पीपल शुड से के नथिंग बट योरसेल्फ, दिलीप कुमार इज अल्टीमेट। और मैंने हमारे अंजुमन का जो फाउंडेशन डे था 145th, तो मैंने मुलाकात की हमारे अमिताभ बच्चन जी से, तब उनको पता चला कि दिलीप साहब भी हमारे स्टूडेंट रहे, कादर खान भी थे और इस्माइल मर्चेंट भी थे, तबस्सुम भी थी, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के थे। तो उन्होंने हमें रिकॉर्डेड मैसेज भेजा, मेरे पास है अभी वीडियो, और उसमें उन्होंने कहा कि दिलीप साहब इज माई आइडॉल, और ये कहा जब फिल्म जगत का, फिल्म उद्योग का जब इतिहास लिखा जाएगा
तो वो इस तरह लिखा जाएगा, दिलीप साहब से पहले और दिलीप साहब के बाद, इट इज बिफोर दिलीप कुमार एंड आफ्टर दिलीप कुमार, एंड ही सेज कि ही इज माय आइडल एंड ही इज द अल्टीमेट। तो उन्होंने एक अपने पेशे में भी, पेशे से भी एक मैसेज दिया कम्युनिटी को कि यू शुड बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर अ डॉक्टर यू शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, तब जाके आपको कोई तासुब की वजह से आपको नहीं रोकेगा। दिस इज वॉट यूज टू टेल कि आप अपने इदारों में बच्चों से ये भी कहिए कि प्लीज ड्रॉप दैट एटीट्यूड ऑफ इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा ऐसे कम तरीका जुब्बा फेंक दीजिए। सो इन हिज ओन वे ही वॉज अ परफेक्ट मैन, और कभी कभी लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ है, ही शुड हैव बीन इन पॉलिटिक्स। उनसे जब पॉलिटिक्स से बात होती, जब लिटरेचर की बात होती थी, तो शेक्सपियर से लेके बड़े बड़े ऑथर्स के बारे में आप उनसे गुफ्तगू कीजिए, ही न्यू इट इन डेप्थ। हालांकि उनको वो उमर शरीफ का रोल दिया गया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया में, एंड इट वॉज ऑल डिसाइडेड एंड ही अल्टीमेट डिसाइड, नहीं मैं नहीं करूँगा, बिकॉज दे फेल्ट ही इज द बेस्ट पर्सन टू डू। तो उनकी इस तरह की वो के जो क्वालिटीज थे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, वेरी लास्ट में ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम, और उर्दू के लिए उनको बहुत तड़प थी। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि उर्दू के फरोग के लिए अंजुमन जो काम कर रहा है वो जोर शोरों से कीजिए, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उर्दू मीडियम स्कूल्स कम होते जाएगी, फिर उर्दू की किताबें कौन लिखेगा, उर्दू के अखबार कौन पढ़ेंगे, आप इसमें जद्दोजहद कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए। तो हमने उनके कहने पे अंजुमन के जितने स्कूल्स है वो आप कभी भी आके देखिए कि वो मेयारी स्कूल्स माने जाते हैं, उसमें दिलीप साहब का भी बड़ा रोल रहा किस तरह से। और एक बार मेरा भाई जब प्रेसिडेंट अंजुमन बना 2009 में, तो मिलने गया तो हाथ पकड़ लिया, बोले एक काम करो पहले, जो करीमी लाइब्रेरी आपकी है वो बोली भंगार बन गई, लेकिन उन्होंने भंगारी थी ऐसा ही पड़ी हुई थी, तो कहा उसको अच्छे से बनाइए, और मेरा जितना कलेक्शन है बुक्स वगैरह मेरे बाद में वो सब अंजुमन को दूंगा। तो वो होने के बाद मैं जाके मिला, साफ कर दिया है। तो अभी मैं जब गया था घर पे, सायरा जी से मिला, उन्होंने वो बात उस माहौल में भी उन्होंने उनको याद रही सायरा जी को, कि उन्होंने कहा था वो सब किताबें हम अंजुमन को देंगे वगैरह वगैरह। तो उनका हम बांद्रा की स्कूल जो है हमारी, उसमें एक नए तरीके से नया ऑडिटोरियम बना रहे, वो दिलीप साहब के नाम पे रहेगा, और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए हैं इंटरनेशनल लेवल से भी, क्या हो सके तो अंजुमन को एक इदारा उनके नाम पे कीजिएगा। तो हमने कहा हॉल तो किया है, इदारा का भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आई है कि इंटरनेशनल लेवल का एक कॉन्डोलेंस मीटिंग आप ऑर्गेनाइज कीजिए, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते भर में हम कोशिश करेंगे और आपको भी उसका इंटीमेशन देंगे। और दिलीप साहब तो ऐसा है कि वो हम तस्वीर ही नहीं कर सकते, वो हम में नहीं है। मैंने उनको हॉस्पिटल में भी देखा है, उनकी स्पिरिट देखी है, अच्छे मूड में देखा, मैंने कभी उनको इन बैड मूड ऐसा देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो खुशगवार माहौल में उन्होंने उनकी परवरिश हुई, उनके खानदान के भी लोग उस तरह से, और बहुत हंसी मजाक हुआ करते थे दोस्तों में। मैं तो बच्चा था उनके सामने, लेकिन वो मुझे अपना घर का एक शख्स समझा करते थे। और मेरे ख्याल से ओबीसी मूवमेंट्स का जो जहां आज पहुंची है, जिसका इतना सारा फायदा हुआ है, शब्बीर अंसारी साहब इस बात पे जरूर कहेंगे कि जो बेनिफिट्स हुए हैं, कितने बच्चों को एडमिशन्स मिले प्रोफेशनल कोर्सेज में, कोई मेयर बन गया है, कोई क्या। एक बार शब्बीर भाई ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, मुझे याद है, यूनिवर्सिटी क्लब हाउस में, और करीब 400-500 बेनिफिशियरी आए थे, जो डॉक्टर्स बने, जो इंजीनियर्स बने। तो इसमें दिलीप साहब का भी बड़ा रोल रहा। तो दिलीप साहब, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम मिले, और उनकी मगफिरत के लिए हम सब दुआ करें, और इंशाल्लाह हम उनकी याद ताज़ा रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही ये बताना था कि शब्बीर अंसारी साहब ज्वाइन हुए थे, तो अगर शब्बीर भाई हैं। जी हाँ, वो ज्वाइन हो चुके हैं। मुझे ऐसे ये न्यूज आई खुर्शीद सिद्दीकी साहब ने दिया है। अशफाक कुमार साहब,
अगर शबीर भाई ज्वाइन हो गए हैं तो डॉक्टर साहब इजाजत दे तो अशफाक उमर साहब है ना बुला लो उसके बाद आप अपनी बात करें तो मोहतरम शब्बीर अंसारी साहब आवाज नहीं आ रही उनका माइक नहीं आ रहा माइक ठीक है थोड़ा टाइम लग रहा है हेलो माइक बंद है उनको बोलो माइक बंद है आपका आपका माइक बंद है मुशीर भाई आपका माइक बंद है मुशीर भाई आपका माइक बंद है जी जी ओके आई आवाज हाँ तो मोहतरम शब्बीर अंसारी साहब का शुमार कौम के उन मुखलिसीन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने मुस्लिम पसमानदार बिरादरियों को उनके हुकूक के हुसूल में न सिर्फ मामनत की बल्कि महाराष्ट्र के जिला दर जिला गांव दर गांव में अपने साथी विलास सोनावने और दीगर साथियों के साथ रात दिन घूमकर बेदारी मुहिम छेड़ी और कसीर तादाद में लोगों को इकट्ठा किया मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ते हुए रिजर्वेशन हासिल किया जिसमें मरहूम दिलीप कुमार साहब उनके शाना बशाना थे और मैं अब इनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने करीबी साथी मरहूम यूसुफ खान साहब की ताजियत में इजहार ख्याल फरमाएं जनाब शब्बीर अंसारी साहब मुशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मेरे को वापस आवाज आ रही है हेलो हेलो आवाज आ रही है जी बिल्कुल मेरी बात शब्बीर भाई आपके आपके पास कोई एक माइक और चल रहा होगा हेलो हेलो दो मोबाइल शायद ऑन होगी नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज बहरहाल हमें आ रही है एक मिनट हेलो हेलो आ रही आवाज जी आ रही है वो वापस आ रही हेलो आवाज आ रही है जी जी आ रही है जी हेलो हाँ आवाज आ रही है जी जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया मैंने समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के बात कहने के बाद मैं कुछ कहूँ हर बात का बहुत अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से डॉक्टर साहब ने बात की क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचे इसमें कोई शक नहीं है सारी बातें बताई है और मैं देर से हाजिर हुआ हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ एक वाकया सिर्फ मैं उनका सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जिस दिलीप कुमार कितने बड़े दिल के आदमी थे और कितना सोचते थे ये जब उनको निशान इम्तियाज पाकिस्तान में मिला और वो पाकिस्तान पहुंचे हैं मेरे को बंगले पर बुलाए बुलाने के बाद मेरे दोनों हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके वो रोने लगे बेतहाशा रोने लगे मतलब क्यों रो रहे हैं साहब आप क्यों रो रहे हैं तो मुझे तू बहुत याद है मतलब क्यों बात क्या बात है साहब जब मैं वहां पहुंचा और मैं हमारी प्लेन लैंड हो रही थी तो वहां के सदर और वहां के वजीर आजम एक दिलीप कुमार उतर रहा है उसके पीछे दौड़ रहे हैं मेरे आंखों में आंसू मैंने अल्लाह की तरफ देखा कि अल्लाह मैं तो एक भांड हूँ मैं एक नाचने गाने वाला हूँ आदमी हूँ तूने मुझे क्या इज्जत दी है कैसी इज्जत दी है मेरे पीछे सदर और वजीर आजम दौड़ रहे हैं और मुझे तू एकदम याद आ गया है अरे आप मेरे को हमेशा उन्होंने ये कभी ये नहीं कहा कि शब्बीर अंसारी या शब्बीर कहकर को उन्हें ये नहीं कहा हमेशा मुझे मुजाहिद करके पुकारते थे और कहा कि मुजाहिद वो हक तो तेरा था तूने जिस कौम के लिए इतना काम किया है दौड़ा है मुझे वो तो तुझे मिलना चाहिए था इनाम तो मुझे आज भी बहुत रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं और एक बार लखनऊ में जो बात उन्होंने कही थी कि 50 साल के बाद एक नौजवान कायद हमको मिला है मैंने बहुत देखा हूँ लोगों को मगर हमारे कौमी जज्बे को और कौमी चीजों को कभी भी जो बुनियादी मसाइल थे किसी ने नहीं किया ये मुजाहिद है ना जो सामने बैठा हुआ है ये ओबीसी का कोलंबस है
कोलंबस है, इसने ओबीसी को दरियाफ्त किया और ये हम साहब, तो उनके इतने वाकयात है कहे उतने, जैसा डॉक्टर साहब ने पगारे के बाद कहा जब बाबा साहब अम्बेडकर हयात थे उनके उनसे दो बार उनकी जो मुलाकात हुई थी उस बारे में वो जिक्र करते थे, गंगा जमुना फिल्म और जिस देश में गंगा बहती है उस वक्त विजय लक्ष्मी पंडित गवर्नर थी और उन्होंने जो वाकया सुनाया उस वक्त का कि वो बहुत चाहती थी मुलामर नहीं, बोले आपको आना ही पड़ेगा और उसने बाजू में बिठा करके जो वाकया सुनाई है कहने जैसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा कि जो क्या बात होती है क्या चलता है और क्या होता है वो विजय लक्ष्मी पंडित ने मुझे बताया, मैं वो कहना नहीं चाहता हूँ, मगर वो कुछ बातें ऐसी कहते थे कि समझ में नहीं आता था और जहां जहां भी, और उन्होंने ये बात भी कही कि अरे ये शब्बीर अंसारी जो काम करता है ना, तो जैसा हम पांच टाइम की नमाज पढ़ते हैं वो नहीं, हम दो रकात नफिल नफिल जो नमाज है ना वही काम शब्बीर अंसारी कर रहा है, ये मुजाहिद हमारा जो कर रहा है जो मिल रहा है, और हमारे डॉक्टर साहब ने बात कही कि वो मंत्रालय में मीटिंग में आते थे और देखते थे, एक बार का वाकया है कि हम सब लोग वहां पर मीटिंग में बैठे, दिलीप कुमार साहब थे उस वक्त, नवाब मलिक, नसीम खान और हुसैन दलवाई मिनिस्टर थे, तीनों बैठने के बाद में दिलीप कुमार ने कहा कि ये मुजाहिद के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, गुलाज राव ने बोला हाँ कि मैं इनको एक पावर्स देता हूँ, पावर्स देना क्या है, एक सिफारिश पत्र के बारे में, तो नवाब मलिक एकदम गर्म बन गया, अरे बोले अगर जो इनको आप इस तरीके के पावर्स देंगे तो हमारा क्या काम है, दिलीप कुमार कुछ नहीं, लाल हो गए, गरम बन गए और कहने के बाद उन्होंने सिर्फ उन तीनों की तरफ देखा और देखने के बाद विलास राव की तरफ देखा, विलास राव ने बोला देखिए आप तीनों हजरात, शब्बीर अंसारी के लिए उन्होंने ना एमएलसी मांगा है ना राज्यसभा मांगा है, वो तो समाज के लिए काम करते हैं, आप मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, वो शब्बीर अंसारी के दे दो, मैं वो पावर्स जो था, पावर्स क्या थे, वो पावर्स ये थे कि सारे महाराष्ट्र के कमिश्नर कलेक्टर को लेटर लिखा गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आरक्षण सदर शब्बीर अहमद अंसारी ने अगर से सिफारिश पत्र दिया है तो उसको एक सबूत बोल करके, एक प्रूफ बोल करके एक्सेप्ट किया जाए, उसका बेनिफिट बहुत मिला, दिलीप कुमार की जो बातें जहीर खाजी साहब ने कहा कि उनकी वजह से क्या क्या फायदे, वो जो मिला हमको, हमारी एक संगठना है जो महाराष्ट्र में, आज भुजबल साहब की संगठना है वो शासन की मान्यता नहीं है मगर शासन की मान्यता है, और उन्होंने कहा अरे कहां फिरता है इधर उधर, उन्होंने मुझको अग्रीपाड़ा जैसा बॉम्बई सेंट्रल की जगह पर उन्होंने जगह दी, वहां चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं हम संगठना को जगह नहीं देते थे, उन्होंने लाइफ आइए गौश किया ये मेरे पावर में दे रहा है, अरे ये समाज का काम कर रहे हैं, उन्होंने मीरज में बहुत बड़ी जगह दी जहाँ ओबीसी भवन बना हुआ है और पैसा भी दिया है, उन्होंने 5% में मुझको कहा अरे कहाँ इधर उधर रहने को कहाँ जगह है, कहीं नहीं साहब ऐसे ही फिरता है, 5% में दादर में एक बहुत बड़ा घर, उनके एहसानात दिलीप कुमार की वजह से ओबीसी मूवमेंट्स को जो ताकत मिली, ओबीसी मूवमेंट्स को, आज अभी एक डिबेट हो रही थी उसमें मैं भी था इसीलिए मैं शामिल नहीं हो सका, लखनऊ से चल रही थी और 97 में जो जहां प्रोग्राम हुआ था उसी बेस पर लोग मुझसे बात करना चाह रहे थे कि जो 97 में लखनऊ में इतना बड़ा प्रोग्राम होता और दिलीप कुमार हुआ तो वहां पर क्या वाकयात हुए थे, तो उनके इतने वाकयात है, ऐसे ऐसे बातें हैं कि जितना कहो कम है, आज बहुत मामूली सा अर्सन है कि अब गए डॉक्टर से मुझसे कहना शबीर मैं नहीं आऊंगा, डॉक्टर जहीर खाजी अगर नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, जिद करते थे कि नहीं डॉक्टर जहीर खाजी कहां भी ढूंढो उनको और लेकर के आओ, वो आएंगे तो मैं आऊंगा नहीं तो नहीं, ये हकीकत है और ये सच है। एक बात का वाकया, जो हेलीकॉप्टर वाली बात कर रहे थे, तो रशीद ताहिर मोमिन के प्रचार को जाना था, प्लेन हेलीकॉप्टर कहीं नहीं मिल रहे थे और एक हेलीकॉप्टर हमको मिला और वो हेलीकॉप्टर था छोटा सा, दो ही आदमी बैठ सकते थे और मैं नहीं जा सकता था, उन्होंने कहा नहीं ये मुजाहिद आएगा, उन्होंने अपनी मांडी पर मुझे बिठाया और बिठा के हम वो भेवंडी तक जब गए तो हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे, उन्होंने सारी तकरीर में यही बात की है कि ये मेरा मुजाहिद आज मेरे को मरवा डालता था, मैं नहीं, बोले हेलीकॉप्टर ऊपर डर जा फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ऐसे कई वाकयात उन्होंने जो हमारे साथ, नहीं हमको नहीं, जैसे डॉक्टर साहब को, मैं डॉक्टर साहब के बारे में तो बहुत, जहां डॉक्टर साहब नहीं है वो प्रोग्राम नहीं होगा, अब इतने छोटी गोरीबाल के अंदर छोटी छोटी गलियां, ऐसी गलियों में हमारी साथ जो नसीम जेड सिक्योरिटी, इतनी छोटी सी गली में, नहीं पुलिस ने कहा कि नहीं जा सकते, नहीं
हम उसके घर पर जाएंगे, डॉक्टर साहब वहां हाजिर थे इतनी छोटी छोटी गलियों में, उनके घर पर आकर के, तो वो इतना पसमानदाओं में मिल चुके थे और इतना ओबीसी के लिए काम करते थे, उनको समझ में आया था कि मुसलमानों के जो बुनियादी मसाइल है ये ओबीसी में छुपे हुए हैं, और उसके लिए उन्होंने इतना वक्त दिया। मैं और मजीद कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी इतनी बहुत दुख होता है जब भी हम सोचते हैं करते हैं, आज इतना बड़ा हमारा नुकसान हो, आज हमारे लेटर पैड पे दिलीप कुमार का नाम है ऐसे पैटर्न बोल करके आज भी चलता है, और हमने कर रखा है और अभी आइंदा भी हम उनको रखेंगे, क्योंकि उनकी वजह से 57 सर्कुलर जीआरएस हमने निकाले हैं गवर्नमेंट, 57, एक दो नहीं, और मीटिंग में बुलाते थे तो बाजब्ता वो आते थे, और उसकी वजह से जो डॉक्टर साहब ने, हम आज डाटा नहीं दे सकते जो बता रहे हैं वो, हमने जो बेनिफिट लोगों को दिया था उसमें दिलीप कुमार की फोटो थी, हमारी थी, एक घड़ी हमने सब लोगों को दी थी, 6,000 लोगों ने हम उस वक्त दिया था, कई लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर मेयर्स, जितने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मेयर बने हैं तो वो महाराष्ट्र में बने, कोल्हापुर जैसा मुकाम जहां 72 कारपोरेट होते थे एक मुसलमान वो मेयर, जहां से राजकारण पूरे महाराष्ट्र का चलता है सांगली, 4 मेयर बने वहां पर, औरंगाबाद एक मामूली सा रिक्शा चलाने वाला वो वहां का महापौर, नांदेड़ का मेयर बना, मालेगांव का मेयर बना, शोलापुर का मेयर बना, सरपंच जहां जिला परिषद में, आप हफीज धतूरी की एक मिसाल ले लीजिए, आप 2 बार वो इलेक्शन में वहां पर आए, एक डबल रोटी बेचने वाला आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, जहां डरते थे लोग, जब प्रचार के लिए आए तो वहां कांग्रेस को पूरे जिले में फायदा मिला, पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग, तो ये दिलीप कुमार की एक बहुत वो थी, और उसकी वजह से जो फायदा कौम को मिला है, डॉक्टर साहब ने एजुकेशन वगैरह सब मैं सुना, बिल्कुल सही बात है, मगर उस पसमानदा बिरादरियों को जो कुछ भी आज मिल रहा है, जितने भी लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसका सर पूरा के पूरा अली जनाब इज्जत महाब में रह ही रहे, दिलीप कुमार साहब शहनशाह, मैं ये कहता हूं कि लोग उन्हें अदाकार समझते थे मगर नहीं, वो पसमानदा बिरादरियों के मसीहा थे, ये बात बहुत लोगों ने छुपाई है इसमें कोई शक नहीं है, मगर हकीकत में वो पसमानदा बिरादरियों के मसीहा थे, आज जो कुछ भी महाराष्ट्र में फायदे मिल रहे हैं उसका सहरा दिलीप कुमार के साथ ही जाता है। मुझे डॉक्टर साहब के बाद भी कहने का मौका दिया गया, मैं उस काबिल नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की मगर मौका दिया गया है, इसके लिए मैं मुशीर अंसारी साहब का और खास डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने इजाजत दी कि नहीं शब्बीर भाई मुझे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनको भी कहने का मौका दीजिए, मैं खास तौर से डॉक्टर साहब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे मालूम है, मुझे एहसास है उस बात का, मेरे लिए अल्फाज नहीं है डॉक्टर साहब के लिए, तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे मौका दिया गया है, मैं ऐसी जगह हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको, मूवमेंट की जगह हूं, मैं औसा में हूं इस वक्त, औसा में, और औसा में एक ऐसी जगह हूं कि आप देख रहे होंगे सब तरफ जंगल नजर आ रहा होगा, तो मैं इस जगह से बात कर रहा हूं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, खुदा हाफिज। मुशीर भाई आप म्यूट हैं, मुशीर भाई आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अंसारी साहब, और आपने बजा फरमाया कि दिलीप कुमार साहब जो है मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों के मसीहा थे, ये लकब उन्हें दिया जाना चाहिए था, एजाज उन्हें दिया जाना चाहिए, और मैं अब आखिर में जो है अशफाक कुमार साहब जो समर अकेडमी है उसके सदर हैं और उन्हीं के ताउन से ये प्रोग्राम मुमकिन हो सका, कि सारा टेक्निकल टेक्नीशियंस वाला मामला उन्होंने ही संभाल रखा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो रस्म शुक्रिया अदा करें और फिर डॉक्टर ज़हीर ख़ाज़ी साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम को बर्खास्त किया जा सके। जनाब अशफाक उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज का ये प्रोग्राम आपके आपके इको आ रहे हैं, हाँ इको आ रहे, देख रहा हूँ मैं, शायद दो डिवाइसेस, हाँ हाँ यहाँ तो यहाँ पर तो दो अभी तभी पर चलिए ऑफ जी अशफाक मोहन साहब, अब इको खत्म हुआ नहीं हुआ हाँ
खत्म नहीं हुए खत्म नहीं हुए लेकिन आवाज समझ में आ रही है नहीं वो हाँ मगर आवाज यहाँ दूसरा फोन पीछे आज का ये प्रोग्राम राजा की राजा के तौर पर मुनाफ़ा किया कि बहुत अल्लाह का शुक्र अल्लाह सब जमा हुए और हमने एक बेहतरीन काजी मुसलमान साहब को राजा की अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आज के प्रोग्राम के जहीर काजी साहब का जो हर मामले में लबैक कहते हैं और करते हैं आज भी वो पूरा वक्त यहाँ मौजूद है मेरे पास उनके लिए अल्फाज नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब शब्बीर अंसारी साहब जी उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जैसे ही शब्बीर अंसारी साहब ने जिक्र किया कि वो औसा में हैं तो हमारे जो दोस्त यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर खलील सिद्दीकी साहब उन्होंने फौरन कहा कि शब्बीर अंसारी साहब का फ़ोन नंबर दीजिए मैं उनसे बात करता हूँ औसा में ही है वो उनका भी शुक्रिया कि वो यहाँ पर अपने तमाम तर मसरूफियात के बाद भी मौजूद हैं और उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया हमारे साथ इकबाल अंसारी साहब मौजूद हैं मोहतरम खुर्शीद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं उसके अलावा सरफराज आरजू साहब और भी हमारे तमाम मेहमानान मौजूद हैं जिनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा इमरान अमीन साहब का राजेश मिश्रा साहब मौजूद है हमारे दरमियान दिलावर चोगले साहब है अबुल इरफान अंसारी साहब मालेगांव से हमारी नौशाद आपा हैं डॉक्टर खलील सिद्दीकी गजाला आज़ाद आपा साहब मौजूद हैं कमाल मांडलिकर साहब और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे दरमियान वासिक नवीद साहब भी मौजूद हैं पूरा महाराष्ट्र पूरा इंडिया मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लबैक कहा और इस ताज़ियती प्रोग्राम में हाजिर हुए मुशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर सकूँ मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि मालेगांव भी दिलीप साहब का दरबार है एहसानमंद है कि उनकी वजह से हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज की बुनियाद हुई और वो उसने अपना बेहतरीन रिजल्ट दिया है मालेगांव और अतराफ के लिए तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं मालेगांव के तई मालेगांव की जानिब से उनके तई अपने जज्बात का इजहार करूँ खराज अकीदत पेश करूँ बहरहाल एक ऐसी शख्सियत थी जो हमारे दरमियान अब नहीं है जिसके बारे में हम जितनी भी बातें करें कम है ना जाने कितने पहलुओं से उनकी ज़िंदगी के वाकयात और बातें सामने आती रहेंगी एक बहुत खुशाइंद बात है जो डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था कि एक बैनुल अक्वामी प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है इंशाल्लाह हम उसमें भी हाजिर रहेंगे तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम था जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया राज अकीदत के लिए मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम के इख्तिताब का ऐलान करना चाहूँगा डॉक्टर साहब इजाज़त से इसके लिए कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं हमारी एक बहन भी थी तबस्सुम नाटकर साहिबा वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी उनका रह गया कुछ लोगों का और भी रह गया उनका भी शुक्रिया और डॉक्टर साहब की इजाज़त से मैं आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।